परिषद के नवशिखर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा पूरा शरीर जिस ऑर्गन के इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है, जिसके वजह से चलता है, जिसकी वजह से सुनता है और जिसकी वजह से सारे फंक्शन करता है, वो होता है हमारा मस्तिष्क। लेकिन अगर इस ब्रेन के पार्ट में किसी वजह से किसी भी तरह की अगर कोई कमी आ जाती है तो हमारे डेली एक्टिविटीज से लेकर के हमारी पूरी की पूरी लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम कैसे करें कि अपनी इस कमी को कम से कम करें, किस तरह से अपने ऐसे बच्चे में जिसमें कि इस तरह की कोई कमी आ गई है उसको दूर करें, यह हमारे लिए सबसे जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज हम इसी तरह के एक सब्जेक्ट न्यूरोलॉजिकल डिसएबिलिटी पर चर्चा करने के लिए आपके पास हैं। हमारे साथ डॉक्टर नितिन माहेश्वरी जी हैं, जो कि इस सब्जेक्ट पर अपनी नॉलेज से हम लोगों को ज्ञान देंगे कि हमको कैसे अर्ली इंटरवीन करना चाहिए, कैसे हम जानें और कैसे डॉक्टर्स के पास में जाएं इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे इस पूरे 2 आवर्स के प्रोग्राम में आप हमारे एक्सपर्ट से कोई सुझाव लेना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई सवाल आपके मन में उठ रहा है वो आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सवाल को हमारे गेस्ट से पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स प्लीज नोट कर लें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008, हमारा लैंडलाइन नंबर 0112651113 और हमारा फैक्स नंबर 0112651609 है। इसके साथ ही अगर आप ईमेल के थ्रू हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो हमारे ईमेल आईडी को नोट करें rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर नितिन जी, जैसा कि आज का हमारा सब्जेक्ट है न्यूरोलॉजिकल डिसएबिलिटी, हम न्यूरोलॉजिकल डिसएबिलिटी वर्ड से हम क्या समझें और किस तरह के जो फंक्शंस हैं उसको हम न्यूरोलॉजिकल डिसएबिलिटी के अंदर में समझें इसको? ये बेसिकली जो न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी वर्ड है इसके बहुत बड़ा मीनिंग होता है, तो उसे समझने के लिए हम ये जो दोनों वर्ड्स हैं, न्यूरोलॉजिकल जो वर्ड है और डिसेबिलिटी जो वर्ड है, इसे अलग अलग मैं आपको बताना चाहूँगा। तो न्यूरोलॉजिकल एक जो सामान्य आदमी के हिसाब से क्या इसका मतलब है, कोई भी चीज़ जो दिमाग की वजह से वो न्यूरोलॉजिकल है। सो न्यूरोलॉजी दिमाग से रिलेटेड कुछ भी, और डिसेबिलिटी मतलब जैसे हम हैंडीकैप बोलते हैं या अपंगता या अपाहिज, वो डिसेबिलिटी का मतलब होता है। तो कोई भी काम ना करने की शक्ति या उसे कम करने की शक्ति यदि दिमाग की वजह से है तो उसे न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी बोलते हैं। अब यदि न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी आप किसी डॉक्टर की बुक में देखते हैं या आप यदि स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, आप लोग देखते हैं, तो यूजली ये टर्म यूज़ नहीं होगा किसी भी बुक में या किसी भी चैनल पे, इंटरनेट पे आपको ये टर्म नहीं मिलेगा। जो टर्म आपको मिलेगा वो मिलेगा सेरेब्रल पाल्सी, जो उसका मेडिकल टर्म है। और सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल मतलब जो दिमाग से निकलता हुआ, पाल्सी मतलब जो डिसेबिलिटी। तो न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी एक आम आदमी को समझाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि दिमाग की वजह से एक काम ना करने की जो स्थिति बनती है उसे न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी बोलते हैं। मेडिकल जो टर्म होता है वो इसके लिए सेरेब्रल पाल्सी टर्म यूज होता है। लेकिन ये दोनों टर्म मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी एक बीमारी को नहीं बताते हैं। जो दोनों टर्म होते हैं ये बहुत बड़े टर्म हैं, इनके हजारों मीनिंग होते हैं, हजारों बीमारियां हैं जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पाल्सी होती है। आपके कहने का मतलब ये न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी एक कॉमन टर्म है जो कि मेडिकल सेंस में अगर हम कहें तो इसको सेरेब्रल पाल्सी कहा जाता है, और जो कि दिमाग में या ब्रेन के पार्ट में अगर किसी वजह से कोई डिफेक्ट पैदा होता है, उसकी वजह से जो हमारी डेली एक्टिविटीज जो एक नॉर्मल आदमी करता है उसके करने में जो कमी आ जाती है उसको हम न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पाल्सी के अंदर में समझते हैं। एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया। यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो सेरेब्रल पाल्सी है या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है, किन किन रीजन से ये क्रिएट हो सकती है, कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी बच्चे का या किसी बड़े आदमी का माइंड नॉर्मल एक आदमी के कंपेरेटिवली कम काम करना या जिसे न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी कहते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? ठीक,
बहुत सारी वजह हैं, जैसे मैंने कहा कि जो सेरेब्रल पाल्सी या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी होती है, या कोई एक बीमारी नहीं है, एक मेडिकल कंडीशन है, हजारों या इनफैक्ट लाखों बीमारियां या लाखों कंडीशन। तो यदि ये लाखों बीमारियां हैं, हजारों बीमारियां हैं, तो उनकी हजारों वजह, तो कोई एक वजह नहीं होती जिसकी वजह से बच्चा या बड़ा ऐसा होता है। तो एज अ डॉक्टर या एक हेल्थ प्रोफेशनल, हम उन्हें कितनी जो सैकड़ों या हजारों बीमारियां हैं उन्हें पता करें, उसे हम जानने के लिए जब हम पढ़ाते हैं या किसी फैमिली को समझाते हैं जिन्हें बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, तो हम ये बताते हैं कि तीन तरह की प्रॉब्लम हो सकते हैं। या जो बच्चे के बर्थ के पहले हैं, तो बच्चा जो है जब माँ के पेट के अंदर है तब कुछ प्रॉब्लम, या जब बच्चा डिलीवरी हो रहा है जो बर्थ के समय, जन्म के समय कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसकी वजह से हो, या जन्म के तुरंत बाद उसकी वजह से हो। तो तीन तरह की वजह जो है हम इन्हें कैटेगरी देते हैं, या तो एंटीनेटल है, बर्थ के पहले हुआ है, या पेरीनेटल है, बर्थ के आसपास हुआ है, या पोस्टनेटल है, बर्थ के बाद हुआ है। जो न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पाल्सी जो हम टर्म यूज करते हैं, एक दूसरे के सिनोनिमस टर्म है, लेकिन दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ नहीं यूज किया जा सकता। यदि किसी 60 साल के आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसे दिमाग पे चोट लगती है, तो उसे हम न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी बोलेंगे यदि उसकी वजह से वो कुछ काम नहीं कर पाता, लेकिन उसे हम सेरेब्रल पाल्सी नहीं बोलेंगे। सेरेब्रल पाल्सी यदि 2 साल तक के जो ग्रोइंग ब्रेन है, जिस ब्रेन का विकास हो रहा है, यदि उसमें चोट लगती है तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसे सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। मैं एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, मतलब मैं बच्चों के दिमाग का डॉक्टर हूँ। तो यदि मैं अपनी क्लिनिक में एक दिन में 20 बच्चे देखता हूँ, तो उसमें से 5 या 6 इनवेरिएबली सेरेब्रल पाल्सी के होते हैं। तो चूंकि न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी तो बहुत बड़ा टर्म है, इसमें हजारों बीमारियां आती हैं, तो मैंने सोचा कि 1-2 घंटे के प्रोग्राम में हम उन सब की बात नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि आज का जो प्रोग्राम होगा उसमें हम कॉन्सेंट्रेट करें सेरेब्रल पाल्सी पे। तो जो न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी, 2 साल तक के जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका जो दिमाग अभी भी ग्रो कर रहा है, उसमें जो चोट लगती है उसके बारे में हम बताएं। तो जैसे मैंने बोला, उसकी तीन तरह की वजह हो सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन का जवाब था, कि या तो जो बर्थ के पहले हुआ हो, बर्थ के समय हुआ हो, या बर्थ के बाद हुआ हो। और हम जो तीनों वो जो वजह होती हैं एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं जी। तो जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर साहब का कहना है, इस चीज़ को आपने देखा कि किसी बच्चे के अंदर में ये तीनों स्टेज, जबकि वह अपनी माँ के पेट में है, गर्भ में है, उसी सिचुएशन में या जन्म लेते समय या जन्म के बाद किसी भी परिस्थिति में इस तरह की डिसएबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से प्रिकॉशंस, कैसे हम अर्ली इंटरवीन करें, इन सारे फैक्टर्स पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप एक एक करके इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि कैसे हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से इस तरह की डिसएबिलिटी क्रिएट होती है, जिससे कि इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके। जी, तो पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि जैसे प्रीनेटल आपने बताया, उसमें कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें कि इस तरह की डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, यदि आप बुक्स में देखेंगे तो बहुत सारी वजह होती हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है जो मैं डे टू डे अपनी क्लिनिक में देखता हूँ, कि जिन माँ को पहले 3 महीने में यदि किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, तो बहुत सारे इन्फेक्शन की वजह से तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से बच्चे के दिमाग को चोट लग सकती है जब वो दिमाग बन रहा है। हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड यूज होता है टॉर्च, TORCH। तो ये 5 अलग अलग तरह के इन्फेक्शन के नाम है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालो वायरस, ये अलग अलग वायरसेस और बैक्टीरियाज के नाम है हमारी टर्मिनोलॉजी में। तो यदि इस तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो जो बच्चा है उसे जो है सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है बाद में, क्योंकि जो विकास हो रहा है गर्भ में, जिस बच्चे के दिमाग का विकास हो रहा है उसमें चोट लगती है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसे वो प्रॉब्लम डिसेबिलिटी हो सकती है। उसी तरह यदि माँ का एक्सीडेंट हो जाए, दिमाग में कोई चोट लग जाए बेबी के, फीटस के गर्भ में, तो उससे चोट हो सकती है। कई बार बहुत सारे जेनेटिक कंडीशन होते हैं, जेनेटिक कंडीशन से मेरा मतलब ये होता है कि हमारी जो संरचना होती है बच्चे की, उसी में कोई प्रॉब्लम हो, उसमें किसी का फॉल्ट नहीं होता, माँ का या बाप का, लेकिन वो म्यूटेशन जिसे बोलते हैं उसकी वजह से हो जाए, तो फिर जो बच्चा है उसमें कई तरह की प्रॉब्लम आती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एंटीनेटल या प्रीनेटल जो आपने शब्द यूज़ किया, उसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी होती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी कंडीशन होती हैं, लेकिन मेनली माँ को इन्फेक्शन होना, किसी तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम होना जिससे दिमाग का अच्छे से विकास नहीं हो पाता, ये हम सबसे ज़्यादा देखते हैं अपनी क्लिनिक की जो डे टू डे जो प्रैक्टिस होती है, जो हम स्कूलों में बच्चे देखते हैं, अस्पताल में बच्चे देखते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इस तरह के बच्चे आते हैं।
वेस्टर्न कंट्रीज में यदि आप देखें जहाँ पर जो लेडीज हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेती हैं या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, तो यदि वो एक नॉर्मल लेवल से जितना एक्सेप्टेड है, जितना हार्मफुल नहीं, उससे ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिसे हम बोलते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम या मैटरनल स्मोकिंग की वजह से बच्चे के दिमाग को जो प्रॉब्लम होती है, तो वो भी देखा जाता है। इंडिया में लार्जली स्पीकिंग वो कम देखने को मिलता है। कुछ बच्चों की माँ यदि वो किसी दवाई पे चल रहे हैं, जैसे उन्हें एपिलेप्सी की बीमारी है और वेलप्रोइड या इस तरह की किसी दवा पर उनका लंबे समय तक ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनके बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, क्योंकि जो वेलप्रोइड या कोई भी जो दवा है यदि वो बच्चे के शरीर में, फीटस में, गर्भ में ज़्यादा मात्रा में पहुँच जाए तो उससे जो दिमाग का विकास है वो रुक जाता है, तो उसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये जो तीन चार हैं ये हम कॉमनली देखते हैं। यदि हम बुक्स में देखें तो बहुत सारी वजह होती है, तो आई थिंक इससे ज़्यादा इसे डिस्कस करने का एक टीवी प्रोग्राम के लिए मेरे हिसाब से इतना जो है वो इनफ होगा, सफिशिएंट होगा। जी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, डॉक्टर साहब का जैसा कहना है कि अगर जो एक्सपेक्टिंग मदर है वो उसका जो आसपास का एटमॉस्फेयर है अगर किसी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है, किसी तरह की इन्फेक्शन माँ को अगर हो जाती है, तो बच्चा जो कि उसके यूट्रस में डेवलप हो रहा है उसके साथ में किसी तरह की डिसएबिलिटी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जबकि बच्चे के माइंड का या उसकी होल बॉडी का ही डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो ये बहुत ही एक कहें क्रूशियल स्टेज होती है जहाँ पर कि हमको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मदर को प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि इस तरह की कोई इंसिडेंट न हो सके। साथ साथ में इसी तरह से एक्सीडेंटल या अदर जो सिचुएशंस डॉक्टर साहब ने बताया उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश की जानी चाहिए, खास करके जैसा कि इन्होंने बताया एल्कोहल या स्मोकिंग जैसी सिचुएशंस। ये तो मैं समझता हूँ कि अपने एक बच्चे के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि किसी को भी अवॉइड करना चाहिए और किया जा सकता है बहुत आसानी से। और इस तरह की और क्या सिचुएशंस हो सकती हैं या सेकंड लेवल जैसा कि आपने बताया कि बच्चे के बर्थ लेने के टाइम पर भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर कि बच्चे में न्यूरोलॉजिकल डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है। तो जो सेरेब्रल पाल्सी का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, सबसे जो वजह, सबसे ज़्यादा जो हम केसेस देखते हैं पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया में, वो देखते हैं जो बर्थ के आसपास के समय जो प्रॉब्लम होती है। यूजली क्या होता है, यदि बच्चा 9 महीने का हो जाए और बच्चा पेट में ही रहे तो वो सांस लेने में उसे प्रॉब्लम आ जाती है, और ऐसा कोई भी बच्चा जो पैदा होने के तुरंत बाद सांस नहीं लेता, इफेक्टिवली उसके दिमाग में अंदर ऑक्सीजन नहीं जाता और एक परमानेंट डैमेज ब्रेन को हो जाता है। तो वो जो है सबसे बड़ा रीज़न होता है जो हम सेरेब्रल पाल्सी या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी के केसेस देखते हैं इंडिया जैसी कंट्री में या साउथ अफ्रीका या जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ शहर में जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं उतनी गांवों में या विलेजेस में नहीं होती है। वहाँ पर यदि बच्चा माँ लेबर में गई है और बच्चे के पैदा होने का वक्त है लेकिन दाई नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बच्चा पैदा हुआ वो रोता नहीं है, कोई भी डॉक्टर या नर्स नहीं है जो उसे इलाज दे सके तुरंत, तो उन बच्चों को उस समय चूँकि ऑक्सीजन उनके दिमाग में नहीं पहुँचता एक डैमेज हो जाता है, और वो डैमेज जो है वो एक परमानेंट डैमेज हो जाता है जो ज़िंदगी भर रहता है। तो उसकी वजह से एक न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी आती है जिसे हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। यदि वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो चूंकि वहाँ पर डॉक्टर्स के, नर्सेस की जो नंबर है, जो रेशियो है पेशेंट के लिए, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो केसेस कम होते हैं। लेकिन इंडिया जैसी जगह में जहाँ पर एक डिसबैलेंस है, जैसे गुड़गांव जैसी जगह में या दिल्ली में तो बहुत डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, लेकिन यदि आप कश्मीर के किसी विलेज में चले जाएँ या उड़ीसा में चले जाएँ जहाँ पर इतने नहीं है, तो वहाँ पर तो इस तरह के केसेस बहुत होते हैं। तो बर्थ के समय सही समय पर बच्चे का ना निकाल पाना, बच्चे का ना रोना, और उसके रिजल्ट से जो दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती उसकी वजह से जो डैमेज होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रानेटल या पेरीनेटल पीरियड में, जिसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है इंडिया जैसी कंट्री में न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी के होने का। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब का जो कहना है कि बर्थ के टाइम पर अगर बच्चा नॉर्मल जो डिलीवरी होती है अगर उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उस समय
अगर बच्चे को सांस लेने में किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसके ब्रेन में एक ऐसी कमी क्रिएट हो जाती है जो कि होल लाइफ उसको अफेक्ट कर सकती है, और ये न्यूरोलॉजिकल सेंस में अगर आप कहें तो एक उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। इसके लिए एक बहुत ही कॉमन सजेशन जो कि दी जा सकती है कि एक एक्सपर्ट जो डॉक्टर है उसके अंदर में ही डिलीवरी के केसेस को हैंडल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हमारे गांव में जैसा कि जहां पर कि बहुत ज़्यादा नर्सिंग फैसिलिटीज डेवलप्ड नहीं है वहां पर इस तरह के केसेस को देखने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर इस तरह के एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं होते हैं, एक्सपर्ट जो नर्सिंग होम्स नहीं होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने की पूरी तरह से कोशिश की जानी चाहिए। और इसी तरह के और क्या रीजन हो सकते हैं आइए जानते हैं। तो पहला जो हमने डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि बर्थ के पहले जब बच्चा माँ के पेट में है क्या वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। जो दूसरा हमने डिस्कस किया कि बर्थ के आसपास या तो बर्थ के तुरंत पहले, तुरंत बाद या बर्थ के समय क्या प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। और तीसरा रीजन होता है बर्थ के बाद क्या हो सकता है। जो बच्चे का दिमाग है वो 90% करीब 2 साल की उम्र तक बन जाता है। तो यदि जैसे मैं आपसे बोलूँ कि हमारी हाइट जो है या वजन है वो कब तक बढ़ता रहता है तो करीब 14-15 साल, 12-16 साल तक बढ़ता रहता है। तो हम लंबे होते रहते हैं, हम मोटे होते रहते हैं, लेकिन यदि हम अपने दिमाग को देखें तो 95% जो दिमाग है वो हमारा 2 साल तक बन जाता है। तो ये जो ग्रोइंग ब्रेन है, यदि पहले 2 साल में कभी भी इसे चोट लगे, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो चाहे एक्सीडेंट की वजह से हो, तो वो जो चोट है वो परमानेंट हो जाती है, क्योंकि ग्रोइंग ब्रेन जो ब्रेन का विकास हो रहा है उसमें चोट लग गई तो वो जो हिस्सा है दिमाग का वो विकसित नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। तो चाहे वो दिमाग का इन्फेक्शन हो, चाहे वो दिमाग का हेमरेज हो, चाहे वो किसी तरह की चोट लगी हो, चाहे आप कार के नीचे आ गए हो, जो भी जो ट्रॉमा होगा उसकी वजह से जो डिसेबिलिटी होगी वो पोस्टनेटल जो बोलते हैं बर्थ के बाद लेकिन 2 साल के पहले चोट लगा है उसकी वजह से होगी। जब भी हम किसी बच्चे को सस्पेक्ट करते हैं कि इसे सेरेब्रल पाल्सी है तो एक जो चीज़ हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो यही करना चाहते हैं कि ये किस वजह से, बर्थ के पहले ऐसा हुआ है, बर्थ के समय ऐसा हुआ है या बर्थ के बाद ऐसा हुआ है। तो जो पेरेंट्स होते हैं उनसे वो क्वेश्चंस पूछना जिससे पूरा डिटेल मिल सके, और जो भी इन्वेस्टिगेशन करना जिसकी वजह से हमें पता चल सके कि क्यों हुआ है वो हमारी कोशिश होती है वो पता करने की। और वो इसलिए किया जाता है कि जब तक हमें ये ना पता चलेगा कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, दिमाग में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे ये काम नहीं कर पाता, उस चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता। अभी जो है बहुत सारी रिसर्च आ रही है इंडिया से भी, इंडिया के बाहर से भी, जो ये सजेस्ट करती है कि हम जल्दी से पता लगाएं और जल्दी से जल्दी इस पर इफेक्टिवली हम कुछ ट्रीटमेंट चालू करें तो उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। तो इसलिए जो आज की टॉक है, जो प्रोग्राम है, मैंने सोचा आई विल डिस्कस कि हम इसे कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि यदि हमें इसे जल्दी पता चल गया तो हम उसे जल्दी उसका इलाज कर सकते हैं। नाउ एज अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, मैं यूजली ऐसे कोई भी बच्चे नहीं देखता जो माँ बाप अपने बच्चे को तुरंत मेरे पास लेके आ जाते हैं। यूजली मेरे पास जो बच्चे आते हैं उन्हें या तो जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, बच्चों के डॉक्टर 4-5, 1-2 ऑलरेडी देख चुके होते हैं, या जो दिमाग के जो डॉक्टर होते हैं एडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट वो देख चुके होते हैं, वो यूजली मेरे पास जो है इस क्वेश्चन से बच्चे को भेजते हैं कि इसे क्या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, ये 2 महीने का बच्चा है, रोता अच्छे से नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छे से करता है, इसे क्या सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। तो अगला जो आधा एक घंटे का जो हमारा टॉक बचा हुआ है 1.5 घंटे का, तो आई थॉट कि हम इस बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक मेरी एक स्लाइड है, इसे दिखाया जा सकता है कि हम जो अर्ली आइडेंटिफाई इसे जो है सेरेब्रल पाल्सी को वो हम कैसे करें, और उसके लिए जो है यूजली जो 3 क्वेश्चन है, जब कोई भी बच्चा मेरे सामने होता है मैं उसके माँ बाप से जानने की कोशिश करता हूँ, खुद अपने आप से पूछता हूँ कि किस वजह से ऐसा होगा, कौन से ऐसे रीजंस हो सकते हैं, किस स्टेज में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, यह जानना एक डॉक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कि जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो पोस्ट बर्थ वाली सिचुएशन होती है, 95% तक हमारे ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो 2 ईयर्स तक की
उम्र में ही होता है, और इस उम्र में अगर हमारे ब्रेन की पार्ट में किसी भी तरह से चोट लगती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो इसकी वजह से हमारे ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो अफेक्टेड होता है, और इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसबैलेंस या सेरेब्रल पाल्सी की सिचुएशन हो सकती है। तो किसी डॉक्टर के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है कि यह किस स्टेज में हुआ। यहाँ पर एक बात और यहाँ पर जानने की है कि 2 ईयर्स तक का बच्चा वो अपने आप से आपको कुछ बता नहीं सकता, उसको इस बात का नॉलेज नहीं है कि उसके साथ में किस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, आपको उसके लक्षणों से इस बात को पहचानना पड़ेगा कि क्या बच्चे में इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसी बात पर हमारी चर्चा है कि आप इस बात को कैसे अर्ली इंटरवीन करेंगे, कौन से लक्षण आप समझेंगे जिसकी वजह से आपको ये बात इस बात का एहसास हो कि हमारे बच्चे में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, जिससे कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें। जी डॉक्टर साहब, तो जिसे आप लोग हैं जो सुन रहे हैं, आई एम श्योर कई बार आपके पास आपके पड़ोसी के, गांव वालों के, स्कूल के या आसपास के लोग आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो सबसे पहली बात जो जानना ज़रूरी है, जो एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो आपको होनी चाहिए या किसी भी डॉक्टर को, नर्स को होना चाहिए, कि हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट हो, एक आइडिया हो कि कौन से बच्चे हैं जिन्हें इस तरह की रिस्क ज़्यादा होती है। कौन सा बच्चा है जिसे अभी भले ही वो 3 महीने का है लेकिन आगे जब ये बड़ा होगा तो इससे सेरेब्रल पाल्सी समझ में आ सकती है या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी होती है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि किस तरह के बच्चे हैं जिनमें हमें ज़्यादा ध्यान रखना है कि हाँ इस बच्चे की हाई रिस्क केस है, इस पर हमें जल्दी से इसे ध्यान रखना है, इसे एग्जामिनेशन करके हमें डॉक्टर को रेफ़र करना है कि इसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। यदि आप पूरा लिटरेचर देखें पूरी दुनिया का, तो जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं जिन्हें इस तरह की डिसेबिलिटी होती है वो बच्चे होते हैं जो प्री टर्म पैदा हुए होते हैं। तो कोई भी बच्चा जो समय के पहले पैदा हो गया, उन्हें एक बहुत ज़्यादा रिस्क होती है सेरेब्रल पाल्सी या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी होने की। और उसकी वजह यही है कि जो बच्चा 9 महीने के बाद माँ के गर्भ से वापस आना चाहिए, यदि वो पहले आ गया तो उसका दिमाग का विकास पूरा नहीं हुआ। अब यदि उस बच्चे के दिमाग का विकास होना है तो उसे वो पूरा वातावरण, एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पाता। कई बार अच्छे से खाना नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जो ब्रेन है क्योंकि वो पूरा विकसित नहीं है, उसमें ब्लीडिंग या हीमरेज हो सकता है। तो जो प्री टर्म बच्चे होते हैं वो एक सबसे बड़ी रिस्क वाली कैटेगरी होती है कि जिन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी जो है ज़्यादा हो सकती है। कोई भी बच्चा, जब हमने डिस्कस किया था कि यदि माँ को जो है पहले 9 महीने में कोई इन्फेक्शन हो जाए, माँ किसी दवा पे चल रही हो, पर्टिकुलरली जो मिर्गी की दवाएं होती हैं, माँ का कोई सीवियर एक्सीडेंट हो जाए, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, तो वो एक दूसरी क्लास है बच्चों की। कि यदि आपको जैसे लगता है कि हाँ इस माँ को कुछ बड़ा सीवियर से बीमारी हुई थी, तो आपको एक बड़ा ध्यान रखना होगा कि हाँ ये एक ऐसा बच्चा है जिसे सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी होती है। कोई भी बच्चा यदि माँ या पेरेंट्स या दादा दादी आके ये बोलते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद रोया ही नहीं था, तो जो हमने डिस्कस किया था कि जो बच्चे रोते नहीं हैं उनके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जाता और उन्हें चोट लग सकती। तो यदि आपको ऐसा कोई भी बताए कि ये बच्चा जो है अभी बहुत ज़्यादा रोता है, 3 महीने का है, माँ को पहचानता नहीं है, सब कुछ ठीक चला था, डिलीवरी भी अच्छी हुई थी, लेकिन ये पैदा होते हुए रोया नहीं था, इसे 20 मिनट लग गया था रोने में, तो वो आपको एक अलर्ट मिलता है, एक रेड सिग्नल मिलता है कि हाँ इस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। कोई भी बच्चा इसे पहले 1 महीने में 2 महीने में झटके आने लगे हों, बहुत बेहोश हो गया हो, तो और फिर बाद में आपके पास आता हो कि ये चल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ ये बच्चा है, इसे जो बीमारी हुई थी हो सकता है उसकी वजह से जब इसका दिमाग का विकास हो रहा था तब कुछ चोट लग गई हो। तो ऐसा कोई भी बच्चा जो इस तरह की हिस्ट्री लेके कहानी से आपके पास आता है, तो आपको एक हाई अलर्ट हो जाना है कि हाँ ये बच्चा जो है इसे सेरेब्रल पाल्सी या बाद की लाइफ में न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, इसे हमें डॉक्टर को रेफ़र करना है जिससे उसे जल्दी से एग्जामिन कर सके, और यदि वो भी सोचता है कि सेरेब्रल पाल्सी डेवलप हो रही है तो कुछ अर्ली इंटरवेंशन किया जा सके। अर्ली इंटरवेंशन किया जा सकता है, इन लक्षणों को देख करके इस बात को समझा जा सकता है कि इस तरह के बच्चे में इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या नहीं। तो आपको या आप यहाँ पर कौन से ऐसे मेथड्स को या कौन से लक्षण आप इस बात को सजेस्ट करना चाहेंगे जिसको देखने के बाद में आपने माने हम इस बात को आइडेंटिफाई कर सकें कि बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी की सिचुएशन है, और साथ साथ में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उसके बाद एज अर्लीस्ट कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। मैंने अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है वो ये देखा है कि जिन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी होती है वो 2 तरह के होते हैं मेरे लिए। एक वो
जिन्हें सबको पता होता है कि ये है, इसकी माँ की तबीयत खराब हुई थी, पैदा होने में प्रॉब्लम हुई थी, पैदा अच्छे से रोया नहीं था, पहले 3 दिन दूध अच्छे से नहीं पिया था, उसके दौरे आने लगे थे, तो सबको शुरुआत से पता है कि शुरुआत से ही प्रॉब्लम चली है और इस बच्चे के विकास में या दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। उसे भले ही उन्हें नाम ना पता हो कि सेरेब्रल पाल्सी है, लेकिन उन्हें पता है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा। तो सबको एक मानसिक रूप से सब लोग तैयार होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे दादा दादी हो, चाहे नर्स हों, चाहे डॉक्टर हों, कि हाँ इस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है दिमाग में, इसका हर काम धीरे होने वाला है। वो बच्चे जो है सब कुछ क्लियर होता है, सबको पता होता है, माँ बाप को पता होता है कि इसे जैसे ही पैदा होता है डॉक्टर के पास ले आना, हर 2 महीने के बाद डॉक्टर या नर्स से चेकअप कराना। जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ या जो इश्यू आता है वो ये होता है, जिनका सब कुछ ठीक चला था, माँ की तबीयत करीब करीब ठीक रही थी 9 महीने, बच्चे को करीब करीब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था पैदा होते हुए, और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब बच्चा ऐसा लगता है कि मुझे पहचानता नहीं, अब बच्चा मैं ऐसा लगता है कि बात नहीं कर रहा, 9 महीने का या 10 महीने का हो गया। तो वो जो केसेस हैं जिसे कहीं कोई माइल्ड डैमेज हुआ है, जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है कब हुआ है, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट केसेस होते हैं। तो दो चीज़ें आती हैं, पहला कि इस तरह के बच्चों का जो सब कुछ छुपे हुए हैं, किसी को अंदाजा नहीं है, किसी ने उम्मीद या आशंका नहीं की है कि इन लोगों को ये प्रॉब्लम होगा, उन्हें हम कौन से टेस्ट कर सकते हैं जिससे पता चले, और किस उम्र में वो टेस्ट करने चाहिए जिससे पता चले। अब यदि हम लिटरेचर देखें, रिसर्च देखें, तो हर बुक में, हर इंटरनेट पे आपको 50 तरह के टेस्ट मिल जाएंगे कि किसी साइंटिस्ट ने ये टेस्ट अमेरिका में बनाया, किसी ने इंग्लैंड में बनाया, किसी ने केरला में ये बनाया, किसी ने नॉर्थ इंडिया में ये बनाया। हर कोई जो है अपनी एक स्कोरिंग सिस्टम दे देगा, हर आदमी अपने एक्सपीरियंस से एक रिसर्च पर एक उम्र बता देगा कि ये वाला टेस्ट 3 महीने में करो, ये वाला टेस्ट 6 महीने में करो, और उसके वजह से आप पता लगा सकते हो। मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जितने भी हम डॉक्टर्स हैं या थेरेपिस्ट हैं या जो भी हेल्थ प्रोफेशनल इस काम में हैं, जो इस तरह के बच्चे देखते हैं, उन्हें अपनी खुद की मेथड बनानी चाहिए। वो सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन रादर देन कि हम एक किताब की बात को फॉलो करें कि कौन कौन सी चीज़ ईजिली ऑब्जर्व हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ हम बता सकते हैं, वो हम देखें। तो अगली जो मेरे पास कुछ स्लाइड्स भी हैं, और अगला 1 घंटे में बताऊँगा कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ। यदि आप बुक्स में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर चीज़ का एक मिश्रण, इधर से मैंने कुछ लिया है, उधर से कुछ लिया, लेकिन आप ये भी रियलाइज़ करेंगे कि जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये बिना दिमाग लगाए हो सकते हैं, 10 मिनट में हो सकते हैं, उसके लिए आपको किसी किताब को एक एक दो दो घंटे पढ़ना नहीं है, और ये आपको बड़े आसानी से याद हो सकते हैं। मैं पर्सनली इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि किस उम्र में होना चाहिए, मेरे लिए जिस उम्र में बच्चा आता है आप उस उम्र में आपको अपने कैपेबिलिटी या एबिलिटी होनी चाहिए उसे टेस्ट करने के लिए। यदि वो बच्चा दादा के साथ आता है, दादी के साथ आता है, पड़ोसी के साथ आता है, जिसे कुछ पता ही नहीं है उस बच्चे के बारे में, आप में एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं फिर भी उसे टेस्ट कर सकूँ। मेरी पर्सनली एज अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, यदि मैं 20 बच्चे दिन में देख रहा हूँ, तो मैं एक बच्चे को 10 से 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दे सकता हूँ, एक मेरी मजबूरी, चाहकर भी नहीं दे सकता। तो हमें एक ऐसी मेथड पता होना चाहिए कि हम 5-10 मिनट में देख सकते हैं। तो अगले कुछ स्लाइड्स में मैं वो जो सेलियंट फीचर्स हैं मैं बताऊंगा, ये किसी बुक के नहीं है, ये किसी स्कोरिंग सिस्टम नहीं है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यदि आप इन्हें यूज़ करते हैं तो आप 10 मिनट में एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इस बच्चे को प्रॉब्लम है और इसे हमें आगे किसी को डॉक्टर कैसे उसको ये पता लगाएं कि इस तरह के बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी की कोई सिचुएशन है या नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हर एक केसेस, हर एक कंट्री का, हर एक एनवायरनमेंट का, हर एक एक सिचुएशन का अपना अलग हो सकता है। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है और हर बच्चे की अपनी प्रॉब्लम यूनिक हो सकती है। ये हमारे एक्सपर्ट्स पर इस बात को डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इस बात को आइडेंटिफाई कर सकें। जैसा कि अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लिमिटेड टाइमिंग में हम किन मेथड्स को यूज़ करें जिससे कि हम इस बात को समझ सकें कि जो हमारे पास बच्चा आया है उसमें इस तरह की सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम है या नहीं है। अब अपने अगले सेगमेंट में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
अभी आपने देखा था कि अपने प्रोग्राम में हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि सेरेब्रल पाल्सी किस तरह से बच्चों में हो सकती है। अब यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के ऐसे लक्षण हो सकते हैं, कौन से ऐसे ऑब्जर्वेशन, कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं जिससे कि आप इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे में इस तरह की कोई डिसेबिलिटी क्रिएट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। इस बात पर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल आप हमारे गेस्ट से पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे गेस्ट आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। प्लीज हमारे नंबर्स को नोट करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008, हमारा लैंडलाइन नंबर 011-265-11613 और हमारा फैक्स नंबर 011-265-11609। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे कि इस तरह के बच्चों में अर्ली टू इयर्स के स्टेज में ही हो सकता है, तो चूंकि ये स्टेज ऐसा है जहां पर कि बच्चे खुद अपने आप से कुछ आपको बताएंगे नहीं और वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं, तो हम कैसे इस चीज़ को सबसे पहले, चूंकि बच्चे घर पर होता है तो क्या हम कुछ ऐसे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं या कुछ ऐसे सिम्टम्स आप बता सकते हैं जिससे कि पेरेंट्स ही इस बात से अवेयर हो जाएं कि उनके बच्चे में इस तरह की कोई डिसेबिलिटी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि पेरेंट्स ही अवेयर हो जाएं, क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी भी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी के चांसेस हैं, वो जो इंडिकेशन है वो पेरेंट्स से आपके पास आना चाहिए रादर देन कि आप उन्हें बताएं कि हाँ ऐसे ये प्रॉब्लम है। तो यदि हम पेरेंट्स को जाते हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो पेरेंट्स से मिलते हैं, तो हम उन्हें कुछ साइंस बता सकते हैं कि यदि आपके बच्चे में ये चीज़ दिखती है, ये लक्षण दिखते हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए। तो जो जनरल ऑब्जर्वेशन है उससे भी बहुत सारी बातें पता चलती हैं जो पेरेंट्स उसे देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये पता चल सकता है कि इस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी डेवलप होने का रिस्क है। मैं हमेशा अपने जब डॉक्टर्स को भी पढ़ाता हूँ, टीचर्स को भी देखता हूँ, वो हमेशा बुक पे ध्यान रखते हैं कि बुक में ये लिखा हुआ है कि बच्चे को ऐसा होना चाहिए तो सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, बुक में ऐसा लिखा हुआ है तो सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। जबकि मेरे लिए ये है कि हम सब लोगों ने बहुत सारे नॉर्मल बच्चे अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, तो कोई भी बच्चा जो नॉर्मल नहीं लगता, आई थिंक जो पहला ऑब्जर्वेशन है वो ये ही होना चाहिए कि ये बच्चा दूसरे नॉर्मल बच्चे ऐसा लगता है या नहीं लगता, क्या इसका चेहरा कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि बहुत सारे हम बोलते हैं जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं, जेनेटिक सिंड्रोम में वो बच्चा जो है वो थोड़ा सा अलग उसकी शक्ल होती है, थोड़ा सा जो है ना तो अपने माँ जैसा लगता है ना पिता जैसा लगता है। तो यदि आपको कभी ऐसा लगे कि ये बच्चे के थोड़े से कान अलग हैं, आँख अलग है, तो वो एक जनरल ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हैं कि इस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की रिस्क हो सकती है। कोई भी बच्चा जो जैसे करीब हम ढाई महीने में देखते हैं कि ढाई महीने में बच्चा जो है दो ढाई महीने में बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है, उसे देख के हंसने लगता है। कोई बच्चा चार महीने का हो गया, छः महीने का हो गया, उसे देख के लगता ही नहीं है कि अपनी माँ को पहचानता है या अपने पिता को पहचानता है, तो वो एक आपको अलर्ट एक रेड सिग्नल मिलना चाहिए कि हाँ ये एक बच्चा है जिसे जो है सेरेब्रल पाल्सी या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बड़े जनरल ऑब्जर्वेशन हैं, इन्हें पढ़ने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी टीचर को आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, और यदि आप इन्हें देखते हैं तो उससे काफ़ी कुछ आइडिया लग सकता है कि इस बच्चे को प्रॉब्लम है।
तो जो एक क्लिनिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होता है, चाहे वो आप किसी के घर में जाके बच्चे को देख रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होता है कि जो आपका पहला जो पहले 10 सेकंड में आपका जो इम्प्रेशन बनता है कि ये बच्चा कुछ अलग सा दिखता है, या इस बच्चे की जो हरकतें हैं वो जो दूसरे उस उम्र के बच्चे करते हैं वैसे ही दिखती है। कोई भी बच्चा जो हंस नहीं रहा 2.5 महीने की उम्र में जिसे हंसना चाहिए, कोई भी बच्चा जो अलर्ट नहीं दिख रहा, पड़ा हुआ है, उसे पता ही नहीं है कि कुछ सुनता है नहीं, आप ताली बजाते हैं उस तरफ अपना मुंह नहीं घुमाता है, आप जो है लाइट बंद करते हैं या उसके चेहरे पे टॉर्च मारते हैं और आंख बंद नहीं करता है, तो ये एबनॉर्मल चीज़ है, बड़ी जनरल चीज़ है, इसे जानने के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो आप बच्चे को कुछ दिन, यू नो, 1 घंटे 2 घंटे की जरूरत नहीं है, 5 मिनट में 2 मिनट में ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं और उससे आप पता लगा सकते हैं। कोई भी बच्चा जो दिन भर रोता रहता है, कोई भी बच्चा जो हंसता ही नहीं, कोई भी बच्चा जो किसी लाइट को साउंड को उससे कोई रिएक्ट नहीं करता, तो जनरल ऑब्जर्वेशन से पता लगा सकता है कि इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम है। कोई भी बच्चा जो दिन रात जो है अपने हाथ पैर हिलाता रहता है, जो हम बोलते हैं साइकिलिंग मूवमेंट्स करता रहता है, तो यदि वो मूवमेंट्स हो रहे हैं तो वो आपको एक अलर्ट, एक सिग्नल देना चाहिए कि ये जो है कुछ गड़बड़ हो सकता है इस बच्चे के साथ। कुछ बच्चों को जेनेटिक कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो मूवमेंट ही नहीं करते, तो एक जो नॉर्मल बच्चा रोते हुए अपने पैरों को अपने छाती की तरफ लाता है, अपने हाथों को मोड़ता है, यदि उस तरह का कोई मूवमेंट नहीं है तो वो एक अलर्ट सिग्नल होता है कि हम जो है ये बच्चे में कुछ गड़बड़ लगता है, इसे शायद किसी डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है, हो सकता है ये ठीक हो लेकिन शायद इसे कुछ प्रॉब्लम हो। ऐसा ही यदि कोई बच्चा जो दिन रात अपनी मुट्ठी बांधे रहता है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट फिस्टिंग करता रहता है, तो वो एक साइन हो सकता है, बहुत अर्ली साइन हो सकता है कि एक ऐसा बच्चा है कि जिसे जो है या तो बर्थ के पहले जैसा हमने डिस्कस किया या बर्थ के समय कुछ प्रॉब्लम हुई है। ऐसे ही बच्चे हैं जो कभी कभी हमारे पास 1 साल की उम्र में या 2 साल की उम्र में आते हैं, जो कुछ सही नहीं दिखते और उनका जो है सिर जो है वो छोटा दिखता है, तो कोई भी बच्चा जिसका सिर का मेजरमेंट दूसरे बच्चों से आपको छोटा लगता है तो वो जो है सेरेब्रल पाल्सी उसे हो सकती है। तो ये कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन है जिसे पढ़ने के लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, जिसे पढ़ने के लिए किसी टीचिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे काफ़ी कुछ आइडिया लग सकता है एक बहुत छोटे समय में कि इस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी के रिस्क है या नहीं। जी, यहाँ पर देखें कि डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसे कुछ लक्षण हैं जिसको जानने के लिए डॉक्टर होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बस कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि क्या उस बच्चे की डेवलपमेंट्स, उसकी एक्टिविटीज, उसके रिएक्शंस खास करके वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आपने साउंड एक तरफ क्रिएट किया, ताली बजाई या कोई लाइट दिखाई, इस तरह से उसका जो अट्रैक्शन होना चाहिए बच्चे का उस साउंड की तरफ, अगर वो बच्चा इस तरह का अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा है तो उसमें इस तरह की पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट डेड श्योर बट इट्स अ पॉसिबिलिटी कि उस बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी की सिचुएशंस हैं या हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपको दिखाई पड़ रही है अपने बच्चे में, अपने आसपास के बच्चे में, तो माने बिना किसी देरी के आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि वो अर्लीस्ट उस चीज को इंटरवीन करके उसमें कुछ स्टेप उठा सके। जी, तो जो पहला चीज़ है जो मैं इस तरह के बच्चों को देखता हूँ जैसे मुझे लगता है कि सेरेब्रल पाल्सी के रिस्क है, तो द फर्स्ट थिंग आई कॉन्सेंट्रेट कि जनरल ऑब्जर्वेशन में ये बच्चा सही लगता है या नहीं लगता। जनरल ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ें देखनी है, जो हमने डिस्कस की, कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसा सुनता है, कैसा हाथ हिलाता है, कैसा हंसता है, जो एक नॉर्मल बात है, यदि दादी भी अपने पोते को देखेगी वो भी यही सब देखेगी कि हंसता कैसा है, रोता कैसा है, वही जनरल ऑब्जर्वेशन से हमें आइडिया लगाना है कि इस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की रिस्क हो सकती है या नहीं। जो दूसरी चीज़ जानना जरूरी है वो ये है कि बच्चे का डेवलपमेंट, जो विकास है, वो उसकी उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से हो रहा है नहीं। अब इस चीज़ में जब मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था या जो मैं पढ़ाता हूँ लोगों को, वो यही आता है कि हर किताब में 50 चीज़ें लिखी हो, किसी बच्चे के डेवलपमेंट को यदि समझना है तो उसकी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इस एज में ये होता है, इस एज में ये होता है, हमें कभी याद नहीं रहता, इस चक्कर में हमें पता ही नहीं है बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होता है। इसके लिए आई थिंक मैं ब्लेम करूंगा कि जो लोग बुक्स लिख देते हैं वो लिख तो देते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि बच्चा 10 महीने की 10 वीक की उम्र में हॉरिजॉन्टल देखता है, 12 वीक में उल्टे ऊपर से नीचे तक देखता है, लेकिन उसे याद करना बहुत मुश्किल होता है।
तो मैं जो हमेशा सिखाता हूँ और जो खुद यूज करता हूँ वो यही होता है कि एक कुछ ब्रॉड आइडिया लगे कि बच्चा इस उम्र में ये करता है, और यदि ये नहीं है तो इसे किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना है। तो एक ये स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो हर आदमी को यूज़ करनी चाहिए। आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए कि हमें जब तक बच्चे का पूरा डेवलपमेंट का शेड्यूल नहीं पता हम उस बच्चे को एग्जामिन ही नहीं करते। तो ये जो मैंने चार पांच बातें जो लिखी हुई हैं स्लाइड में, वो ये लिखी हैं जो हम सबको पता है लेकिन हम लोग कभी उनके बारे में खुद ही नहीं सोचते। जैसे जनरली एक बच्चा 3 महीने की उम्र में अपनी गर्दन जो हेड और नेक कंट्रोल है वो करने लगता है। यदि वो चीज़ 6 महीने तक नहीं आई तो वो एबनॉर्मल है। एक बच्चा जो है 6 महीने की उम्र में करीब जो है वो बैठने लगता है। 6 महीने में यूजली कुछ तकिया या सपोर्ट लगा के बैठता है, और 8-9 महीने की उम्र में बिना तकिया या सपोर्ट लगा के बैठता है। बर्थडे के आसपास अपनी जो पहली बर्थडे होती है उस पर वो या तो चलने लगता है या फिर वो खड़ा होने लगता है, या तो स्टूल पकड़ के या बिना स्टूल पकड़े। और ज़्यादातर बच्चे 15 से 18 महीने की उम्र तक चलने लगते हैं। तो कोई भी फिजिशियन, कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल यदि बच्चों को एग्जामिन कर रहा है जैसे सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, उससे ज़रूरत नहीं है पूरे डेवलपमेंट चार्ट्स याद करने की जो बुक्स में लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिए हुए हैं। यदि ये 4-5 चीज़ें भी पता हैं तो उससे एक ग्रॉस आइडिया हो जाता है कि इस बच्चे का डेवलपमेंट सही चल रहा है नहीं चल रहा। मैं हमेशा इस बात पे एम्फोसिस देता हूँ कि हम ये जो 3-4-5 चीज़ें हैं उसे ही ध्यान रखें। हम जो है बहुत जो लंबा लंबा किताबों में लिखा हुआ है या इंटरनेट पे लिखा हुआ है उस पर हम ज़्यादा यदि याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं कर सकते तो उसकी वजह से चिंता में आने की कोई बात नहीं है। कोई भी बच्चा यदि ये 4-5 चीज़ें नहीं कर रहा है, 2 महीने की उम्र में अपनी माँ को देख के हंस नहीं रहा है, 3 महीने में गर्दन नहीं संभाल रहा है, 6 महीने में बैठ नहीं रहा है, 1 साल में खड़ा नहीं हो रहा है, तो ये सब साइंस होते हैं कि इस बच्चे के डेवलपमेंट थोड़ा सा पीछे चल रहा है, इसे न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, तो इस बच्चे को किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। यानी कि किसी बच्चे के अंदर में डिसेबिलिटी है या नहीं है इसके इसको जानने के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस की नहीं बल्कि दादी माँ के नुस्खे की ही ज़रूरत है। एक बेसिक जैसे हम कहते हैं कि 6 to 8 months के आसपास में बच्चे को बैठना चाहिए, लगभग साल भर की सिचुएशंस में उसको चलना स्टार्ट कर देना चाहिए, इस तरह का जो कॉमनली हमारे घरों में देखा जाता है वही ऑब्जर्वेशन अगर लेट हो रहा है, अगर उस तरह की एज में बच्चा इस तरह का रिएक्शन नहीं दे रहा है, इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसमें इस तरह की संभावना बढ़ सकती है कि बच्चे में इस तरह की सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमको उसी समय पर सावधान हो जाना चाहिए और इस बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या बच्चे की जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल उसकी एज के अकॉर्डिंग जो अदर बच्चे करते हैं वैसा वह बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसी तरह की जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए जरूरी हो सकती है और जानने की कोशिश करते हैं जी। तो जो सबसे पहले जो चीज़ देखनी है, मैं उस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक जनरल ऑब्जर्वेशन लेना है कि ये बच्चा कैसा है, नॉर्मल दिखता है या नॉर्मल नहीं दिखता। यदि नॉर्मल नहीं दिखता है तो क्या नॉर्मल नहीं दिखता, इसका बोलना, इसका हंसना, इसका हाथ हिलाना। दूसरा जो आइडिया लेना चाहिए वो लेना चाहिए कि डेवलपमेंट जो है वो इसका उम्र के अनुकूल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार बच्चे जो है हमारे पास 2-3 साल की उम्र में 4-5 साल की उम्र में आते हैं तो लोगों को याद नहीं रहता, हम पेरेंट्स को या दादा दादी भूल जाते हैं कि इसने बैठना कब चालू किया था, हंसना कब चालू किया था, चलना कब चालू किया था। तो मैं यूजली जिस तरह के क्वेश्चंस पूछता हूँ वो ये पूछता हूँ कि पहली बर्थडे पर यह बच्चा क्या करता था। कई बार उससे बहुत आइडिया लगता है क्योंकि लोगों को ये नहीं याद रहता कि 9 महीने में क्या हुआ था, 10 महीने में क्या हुआ था, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स को, दादा दादी या नाना नानी को ये याद रहता है कि पहली बर्थडे पे या हमने जब बर्थडे पार्टी की थी तब बच्चा क्या कर रहा था। तो पहली बर्थडे यूजली मैं जब भी ये चीज़ पूछता हूँ तो उसका एक अच्छा जवाब मिलता है, अच्छी रिस्पॉन्स आती है कि हाँ ये मामा बोलता था, पापा बोलता था। तो यदि डेवलपमेंट में यदि पेरेंट्स को ज़्यादा याद नहीं आ रहा तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि अच्छा जब इसका मुंडन हुआ था तब ये क्या क्या करता था और किस उम्र में मुंडन हुआ था, इसकी जब पहली बर्थडे थी या परिवार में कोई शादी हुई थी तब ये क्या क्या करता था। तो पहली चीज़ थी जनरल ऑब्जर्वेशन, दूसरा था बच्चे का डेवलपमेंट कैसा है, तीसरा जो है कुछ साइंस होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं बच्चे में और उस हिसाब से बता सकते हैं कि इस बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे मैंने बोला कि जो बच्चे का जो हेड कंट्रोल है, हेड और नेक का जो कंट्रोल करने की उम्र है वो करीब 3 महीने की। यदि 3 महीने की उम्र में वो चीज़ नहीं आती
तो वो एक थोड़ी चिंता की बात है। वो एक ऐसा बच्चा हो सकता है जिसे सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, उसे कैसे एग्जामिन करना है, उसे कैसे दिखाना है, ये जो है मेरे पास एक बड़ा अच्छा वीडियो है, इसे आप लोग देखें कि हम क्लिनिक में कैसे एग्जामिन करते हैं। एक बार जब हम ये वीडियो देख लेंगे तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी एसेंशियल स्टेप्स क्या थी, आपको कैसे परफॉर्म करना है और इस पर क्या क्या चीज़ों पर आपको नज़र रखनी है। तो आपने जो बच्चा देखा, देखा कि वो पीठ के बल लेटा हुआ था। जो डॉक्टर था उसने बच्चे के दोनों हाथों को पकड़ा और पीठ के बल जो लेटा हुआ है उसे बिठाने की कोशिश की। जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है वो ये रहता है कि जो हेड है, सिर है, ये पीठ के साथ साथ, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ मेरा सिर वैसा खड़ा हुआ है वैसा आ रहा है, इस बच्चे का सिर ऐसा पीछे चला गया, तो इसे बोलते हैं हेड लैग। ये हेड लैग यदि एक महीने के बच्चे में, जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल। कोई भी बच्चा पैदा होता है वो हेड और नेक अपने कंट्रोल नहीं कर पाता और इस तरह का हेड लैग हम नॉर्मल देखते हैं। लेकिन यदि यही बच्चा 4 महीने की उम्र में या 6 महीने की उम्र में अपना हेड या नेक नहीं संभाल पा रहा है तो वो चिंता की बात है, वो एक सेरेब्रल पाल्सी का साइन है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसे करीब करीब कोई भी जो है अपना क्लिनिक में कर सकता है। आप स्कूल में बच्चे को देख रहे हैं, घर में बच्चे को देख रहे हैं, आप कर सकते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स की या इक्विपमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। और रफली स्पीकिंग 3 या 4 महीने के बच्चे में कुछ ना कुछ हेड कंट्रोल आ जाता है। यदि आप ऐसा कोई भी बच्चा देखते हैं जिसे 3 या 4 महीने की उम्र में ये नहीं आ रहा, तो वो एक चिंता की बात है और उसे जो है आगे किसी डॉक्टर के पास आपको रेफर करना चाहिए। डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर ना भी हो, कोई एक्सपर्ट हो जो इस चीज़ के बारे में आपसे ज़्यादा जानता हो, उसके पास इसे रेफर करना चाहिए। तो जो छोटे बच्चे आते हैं 6 महीने की उम्र में, जिसे या तो परिवार वालों को या किसी को चिंता होती है कि इस बच्चे का विकास हो सकता है सही नहीं हो रहा है, तो उसे जो है आपको ये टेस्ट करके देखना चाहिए कि इसके क्या रिजल्ट है। यदि 3 महीने का बच्चा अच्छे से हेड और नेक संभाल रहा है, वो आपको नॉर्मल बच्चे के जैसे दिखता है, वो दिन भर रो नहीं रहा है, माँ को पहचानता है, तो जो हमने सारी बातें पीछे डिस्कस की, तो फिर ये अनलाइकली है कि उसे बहुत मेजर सिग्निफिकेंट ब्रेन डैमेज हुआ हो या सेरेब्रल पाल्सी हुई। लेकिन यदि 3 महीने का या 4 महीने का बच्चा है जिसका ये हेड जो है पीछे जा रहा है, उसे आप पेरेंट्स से पूछते हैं कि ये बच्चा पैदा होने के समय रोया था या नहीं रोया था, वो नहीं रोया है और बहुत ज़्यादा मुट्ठी जो है ऐसा तान के रखता है, फिस्ट बना के रखता है, तो उस बच्चे को एक बहुत ज़्यादा संभावना है कि कुछ ना कुछ हो सकता है इस बच्चे के साथ ब्रेन में डैमेज हुआ हो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमेशा देखनी चाहिए। जी मैंने कि यहाँ पर देखें कि 2 ढंग से यहाँ पर डॉक्टर साहब का जैसा कहना है, हम इस बात को समझ सकते हैं कि बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी की सिचुएशन है या नहीं है। सबसे पहली तो उसकी अपनी फिजिक, उसकी अपनी बॉडी की बनावट, जैसा कि सर कह रहे हैं कि उसके सिर का आकार जो है नॉर्मल बच्चों के कंपेरेटिवली हो सकता है कि कम हो। सेकेंडली जैसा कि स्लाइड में आपने देखा, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है बच्चा अपने सिर को अपने साथ साथ में। ये अगर 1 महीने के आसपास तक की सिचुएशन में है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर वही 3-4 महीने का अगर बच्चा हो चुका है लेकिन उसके बाद में भी अगर वो अपना हेड कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसको अगर देखते हैं आप बच्चे में तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए। जी अब जैसे एक और वीडियो है जो मैं दिखाना चाहूँगा, ये बच्चा है, ये बहुत लेट आया था। ये बच्चा जो हेड लैग की ही प्रॉब्लम थी, सालों से ऐसे थी और किसी ने इसे नोटिस नहीं किया था। आइडियली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई ना कोई, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे दादा दादी हैं, चाहे हेल्थ वर्कर हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, जो इतने सारे लोग जो बच्चे को दिन रात देखते हैं जब तक बच्चा किसी हॉस्पिटल में पहुँचता है, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के लिए किसी न किसी तरह से वो एक्सपर्ट के कॉन्टेक्ट में आता रहता है और उनको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए कि जो हेड लैग है वो कैसे मिस होता है। तो ये बच्चा है जिसे मैंने क्लिनिक में, अब देखेंगे कि ऑब्वियसली 1 साल से ज़्यादा बड़ा है मेरे पास आया था, ये बच्चा हेड को संभालता ही नहीं,
तो आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने इसे देखा. और ये एक बड़ी नॉर्मल चीज है. अगेन जिन लोगों से मैंने पूछा कि आपने इस पे, बच्चा अभी तक अपनी गर्दन नहीं संभालता, हैंड अपनी नहीं संभालता, इस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया, तो बोले हमें तो ये पता ही नहीं था. तो ये बात नहीं होना चाहिए. इस वीडियो को आप देखें, ये बच्चा एक साल से ज्यादा बड़ा है और फिर भी इसकी माँ जो है, जब इसे पीठ के बले जो लेटा हुआ है इसे उठाती है, तो इसका जो है गर्दन जो है बिल्कुल नहीं संभालता. अब यदि हम इसी बच्चे को 6 महीने या 5 महीने की उम्र में पता कर सकते, तो ये कि बच्चा आइडियल कैंडिडेट होता अर्ली इंटरवेंशन के लिए. तो हो सकता है जब तक ये इतना बड़ा होता तब तक तो इसकी फिजियोथेरेपी या कुछ और सपोर्ट से दिया जा सकता, जिससे इतनी प्रॉब्लम जो है इतनी नहीं बचती. तो मैं जो हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, फिर से मैं रिमाइंड करूंगा, जो सबसे पहला एक जो जनरल ऑब्जर्वेशन है, बच्चा कैसा दिखता है, बोलता है, हाथ कैसे चलाता है. दूसरा, उसका डेवलपमेंट सही हो रहा है नहीं हो रहा. और फिर तीसरा, ये जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं उसमें जो सबसे पहला था ये था कि हेड लैग देखना. इसके लिए एक दो बच्चों को देखने की जरूरत है, लेकिन किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी फॉर्मल टीचिंग कोर्स में जाने की जरूरत नहीं है. और ऐसे ही कुछ और टेस्ट हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ वीडियोज में. अब ये जो वीडियो है, जो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है. स्पेसिफिक मीन्स आज जो डॉक्टर है उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, जो नर्स है उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है इसे समझने के लिए. लेकिन यदि आप इसे खुद कर सकें तो एक ये बहुत अच्छा साइन होता है इस तरह के बच्चों को देखने के लिए, जिन्हें हम पता लगा सकें कि इन्हें सेरेब्रल पाल्सी है या नहीं. तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं और फिर मैं धीरे से आपको ग्रेजुअली समझाऊंगा कि इसमें क्या दिखाया गया और आपको क्या देखना. अब इस वीडियो में जो डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है उसे बोलते हैं एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लक्स. नाम ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसेंशियली ये बताता ये है कि यदि हम किसी भी बच्चे के जो पैदा होता है, यदि हम उसकी गर्दन को एक तरफ हम टर्न करते हैं, या तो राइट या लेफ्ट, तो जो उसका जो राइट हैंड, जैसे यदि हम किसी बच्चे की गर्दन को राइट साइड की तरफ टिल्ट करते हैं, तो उसका जो राइट हैंड और लेग है वो सीधा हो जाता है, और जो उल्टा है, जो लेफ्ट और लेफ्ट है, वो मुड़ जाता है. तो इसे एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लक्स बोलते हैं. ये हर बच्चे में होता है. तो हम सब लोग जब छोटे थे, पैदा हुए थे, हम सब लोग ऐसा करते थे. लेकिन यदि यही चीज किसी 4 या 5 या 6 महीने के बच्चे में है तो वो एक एबनॉर्मलिटी है. तो इसे हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्स बोलते हैं. ये इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 3-4 महीने के बच्चे में चली जाएगी, तो बर्थ पे रहेगी, 1-2 महीने की उम्र में रहेगी, लेकिन 3-4 महीने तक ये ऐसा नहीं बचेगा. तो कोई भी बच्चा है जो चलिए 6 महीने की उम्र में आपके पास आता है या आप उसे देखते हैं और उसे ये रिफ्लक्स है कि आप उसकी गर्दन जो है एक तरफ यदि टर्न करते हैं तो उस तरफ का हाथ और पैर तो सीधा हो जाता है और दूसरे तरफ का हाथ और पैर मुड़ जाता है, ये रिफ्लक्स बचा हुआ है, तो एक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है कि इस बच्चे के ब्रेन को किसी स्टेज में कहीं ना कहीं चोट लगी है और ये जो है सेरेब्रल पाल्सी जो है इसे हो सकती है. तो इस तरह का यदि आप साइन देखते हैं तो ये एक दूसरा इस तरह का बच्चा होगा जिसे आपको तुरंत किसी दूसरे डॉक्टर के पास रेफर करना चाहिए या कोई जो एक्सपर्ट है उसके पास रेफर करना चाहिए, जो इस चीज़ को फर्दर इवेल्युएट उसे कर सके, असेसमेंट कर सके, ये देखने के लिए कि इस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है नहीं. एक या दो ऐसे और भी रिफ्लेक्सेस हैं जो देखे जा सकते हैं. जो सबसे ईजी होता है और जो सबसे यूजफुल होता है
और जिसके लिए सबसे कम ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो तो है हेड लैग, जो मैंने सबसे पहला बताया, और जिसे थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसे बोलते हैं एसिमेट्रिक टोनिक नेकल फ्लेक्स। दो और वीडियो हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसमें फिर आप वो इस तरह के कुछ और रिफ्लेक्सेस हैं जिन्हें जो है आप समझ सकते हैं और इन्हें आप कोशिश कर सकते हैं बच्चों पे करने की, ये देखने के लिए कि उसे सेरेब्रल पाल्सी होती है या मतलब उसका रिस्क है या नहीं, ऐसा हो सकता है या नहीं है। तो इसमें मेनली जो हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि इसके लिए कोई साइंटिफिक टेस्ट और लेबोरेटरी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बच्चे की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो कैसा बच्चा परफॉर्म कर रहा है, नॉर्मल बच्चों से किस तरह से उसकी एक्टिविटीज़ में डिफरेंसेस हैं, उसके रिएक्शंस कितने लेट आ रहे हैं या किसी एक्शन को वो कितना लेट परफॉर्म कर रहा है, यह बात यह समझने के लिए, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए सफिशियंट होती है कि बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी जैसी कोई सिचुएशन है या नहीं है। इसी तरह से अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं लेकिन इसके बाद में हम इस चर्चा को जारी रखेंगे।
अभी हम देख रहे थे कि बच्चे में कौन से ऐसे सिम्टम्स दिखाई पड़ सकते हैं जिससे कि हम इस बात को आइडेंटिफाई कर सकें कि बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी की कोई सिचुएशन है या नहीं है। अब इसी के साथ में एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप हमारे एक्सपर्ट से कोई सजेशन लेना चाहें, कोई प्रश्न पूछना चाहें, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800112008 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 011-265-11613 और हमारा फैक्स नंबर है 011-265-11609। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम कुछ मेथड्स को ऐसा हम डिस्कस कर रहे थे जिसके थ्रू हम इस बात को समझ सकते हैं कि बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी की कोई सिचुएशन है या नहीं है, तो ऐसे और कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम इस चीज़ को समझ सकें? ठीक, तो चूँकि हम ब्रेक के बाद आए हैं तो मैं फिर से रिकैप करूँगा कि अभी तक हमने पिछले कुछ समय में क्या क्या देखा। जो एम्फोसिस है वो मैं ये दे रहा हूँ कि आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है किसी बच्चे को अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसे सेरेब्रल पाल्सी है या नहीं। उसके लिए जो कॉमन सेंस होता है, जो कॉमन बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में जो बातें हमें पता होती हैं, सिर्फ उन्हें ही ध्यान में रख के बच्चे को एग्जामिन करना है। तो जो मैंने पहली चीज़ बताई थी वो ये बताई थी कि हमें सिर्फ बच्चे को देख के कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस बनाने हैं कि ये बच्चा सही दिखता है नहीं, अपनी उम्र के अनुकूल पहचानता है नहीं, उससे ज़्यादा रोता है या कम रोता है, उसकी अपनी उम्र के हिसाब से कम हाथ पैर चलाता है या ज़्यादा हाथ पैर चलाता है। दूसरी जो मैंने चीज़ बताई थी ये बताई थी कि जो कॉमन हम डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं उतना करता है नहीं, 3 महीने का बच्चा अपनी गर्दन संभालता है नहीं संभालता, 6 महीने का बच्चा बैठता है नहीं बैठता, 1 साल का बच्चा चलता है नहीं चलता। तो ये दूसरी चीज़ है, वो थोड़ा सा एक डेवलपमेंट के बारे में आइडिया लेना है। और फिर तीसरी बात जो हम बता रहे थे वो हम कुछ टेस्ट बता रहे थे कि बच्चा अपनी गर्दन संभालता है नहीं संभालता। उसके बाद हमने एक वीडियो देखा था कि एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लक्स वो प्रेजेंट है नहीं। वो एक ऐसी चीज़ है जो हम सब लोगों में होती है जब हम छोटे होते हैं, लेकिन वो 4-5 महीने में वो टेस्ट जो है नेगेटिव हो जाना चाहिए, यदि वो बचा हुआ है तो प्रॉब्लम। 2 टेस्ट और हैं जिन्हें मैं क्लिनिक में करता हूँ। जो सबसे पहला है वो ये है जिसे हम मोरोज रिफ्लक्स बोलते हैं। तो बच्चा को जो है बिठाया हुआ है और एक ये जो डॉक्टर है ये उसकी गर्दन को पीछे से संभाला हुआ है और डॉक्टर ने क्या किया कि बच्चे को छोड़ दिया तो 45 डिग्री से उसे उसकी जो हेड है उसे जो नीचे जो है जाने दिया। और ये जो नॉर्मल बच्चे का जो रिस्पॉन्स होता है कि बच्चा अपना हाथ जो है उन्हें फैला लेता है और उसके बाद हाथ को वापस बंद कर लेता है। तो जो मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं पहले वो एक्सटेंशन होता है उसका शोल्डर्स पे और उसके बाद उसे फ्लक्शन वो वापस कर लेता है। ये जो मोरोज रिफ्लक्स है ये हम सब में होता है जब हम बच्चे होते हैं, लेकिन ये भी एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लक्स की तरह जब 4 से 6 महीने के हम होते हैं बच्चा होता है जब चला जाना चाहिए। यदि आप कोई बच्चा देखते हैं जो 8 महीने का है, 9 महीने का है, और यदि आप उसे एक बड़ा सिंपल टेस्ट करते हैं और ये प्रेजेंट है, तो ये आपको एक रेड सिग्नल है आपके लिए कि इस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ब्रेन में हो सकती है। जैसे एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लक्स जो मैंने बोला कि वो बच्चे के वो हर किसी में होता है, और यदि वो 5-6 महीने के बाद अभी भी आ रहा है, मोरोज रिफ्लक्स यदि ये 5-6 महीने के बाद अभी भी आ रहा है, तो ये इस तरह के टेस्ट हैं जो आपको एक अलर्ट एक सिग्नल देना चाहिए देते हैं कि इस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है। एक और सिंपल टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं ग्रेस्प रिफ्लक्स। सो ग्रेस्पिंग इज समथिंग लाइक हम किसी भी चीज़ को अपने फिंगर को ग्रेस्प करते हैं। तो उसी चीज़ का मेरे पास एक वीडियो है जो आप देखें। बच्चे की ग्रेस्पिंग पावर जो है नॉर्मली जैसा कि अदर बच्चे हैं अगर उनको कोई चीज पकड़ाई जाए तो वो पकड़ लेते हैं और मजबूती के साथ में उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जिनके अंदर में सेरेब्रल पैलसी से सिचुएशन कोई प्रॉब्लम है तो वे बच्चे उस चीज को उतना ताकत के साथ में उतना जोर के साथ में पकड़ने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। तो उससे हमको इस बात को समझने का एक इंडिकेशन मिलता है कि उन बच्चों में सेरेब्रल पैलसी की सिचुएशन हो सकती है। तो ये जो है अब वीडियो देखें, ये और इसे ध्यान से देखें कि ये क्या कर रहा है। ये इस तरह के वीडियो हैं जो आप हर बच्चे से आप अपनी ज़िंदगी में जिसने भी छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताया खेला आपने ये सारी चीज़ें उनके साथ की हुई बिना ध्यान में रख के की हुई है। हर किसी को पता है हम लोगों में कि हम जब भी बच्चे के हाथ में अपनी उंगली डालते हैं बच्चा जो है उंगली बंद कर लेता है अपनी मुट्ठी बांध लेता है, तो इससे बोलते हैं ग्रेस्प रिफ्लक्स। और वही जो है इस वीडियो में दिखाया गया है। तो ये बच्चा है लेटा हुआ है
और जो डॉक्टर है उसने अपना थंब जो है बच्चे के हाथ में दिया हुआ है और बच्चे ने अपनी मुट्ठी को जो है वो बांधा हुआ है, तो ये जो है ग्रास्प रिफ्लेक्स या पामर रिफ्लेक्स है। यही चीज यदि हम बच्चे के पैर में करें, तो बच्चे के पैर को यदि हम टच करें, सोल को यदि हम अपना अंगूठा या उंगली टच करें, तो बच्चे अपनी जो टोज है उसे मोड़ देता है, तो ये होता है प्लांटर रिफ्लेक्स। तो ये सब चीजें हम जानते हैं, हमने बहुत सारे बच्चे जिनके साथ खेला हुआ है अपने परिवार में, अपने फ्रेंडशिप में, उन सब में हमने किया हुआ है। अब यही रिफ्लेक्स एक महीने के बच्चे में होगा, दो महीने के बच्चे में होगा, लेकिन यदि आप ये चीज 6 महीने के बच्चे में देख रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बड़ा रेड सिग्नल है कि इस बच्चे को कुछ ब्रेन में जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 3-4 जो मैंने टेस्ट बताए हैं, उन्हें बताने का मतलब ये है कि पहला ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए, सेरेब्रल पाल्सी के लिए आपको कोई बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बहुत जो है किसी स्कूल में या कॉलेज में टीचिंग कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है। ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो हम सब अपनी लाइफ में बच्चों के साथ करते हैं। यदि हम इन सब चीज़ों के लिए अवेयर हैं तो ये किया जा सकता है, और जो बच्चे जिन्हें सेरेब्रल पाल्सी हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, उन्हें बहुत जल्दी पता लगाया जा सकता है। अभी हमने 4-5 चीज़ें देखी हैं, कुछ मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में बताया था, तो मैं फिर से रिकैप करूंगा। फर्स्ट, जो पूरा इस प्रोग्राम में मैं एम्फोसिस दे रहा हूँ वो इस चीज़ को दे रहा हूँ कि जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है सेरेब्रल पाल्सी का, वो एक उसके लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, जो कॉमन सेंस है, जो नॉलेज है हमें बच्चों के डेवलपमेंट में, यदि हमें वो भी पता है तो हम काफ़ी कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि इस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है और उसे किसी डॉक्टर या एक्सपर्ट के पास भेज सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन सेंस आइडिया वही, बच्चा दिखता कैसा है, बोलता कैसा है, सुनता है नहीं, हाथ हिलाता है नहीं, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अपनी उम्र के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा, और जो लास्ट चीज होती है वो ये है कि कुछ स्पेशल जो है वो टेस्ट है, वो टेस्ट यदि हम कर सकते हैं तो हम उन्हें करके देखें और देखें कि वो प्रॉब्लम, उसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही है या नहीं दिख रही। यदि प्रॉब्लम दिखती है तो इस तरह के बच्चों को जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास भेजना चाहिए। बच्चों को जैसे नॉर्मल, एक नॉर्मल बच्चे में जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पर बार बार डॉक्टर साहब यही एक जोर दे रहे हैं इस बात पर, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि अपने आसपास में या पहले के जो बच्चे हैं उनसे आपके बच्चे की जो डेवलपमेंट में है उसमें कहीं कोई डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कितने इस 1.5 महीने की अवस्था तक बच्चे को मुस्कराना चाहिए, या 3 महीने की अवस्था तक, या 4 महीने की अवस्था तक बैठने की कोशिश करनी चाहिए, या 1 ईयर की सिचुएशन में लगभग खड़े होकर के चलने की एक कोशिश शुरू हो जानी चाहिए बच्चे की तरफ से आपका सपोर्ट देने के बाद में। अगर ये एक जो डेवलपमेंट हो रही है तो एक नॉर्मल है, अगर ये उस स्टेज में बच्चे के साथ नहीं हो रहा है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि कहीं बच्चे में किसी तरह से कोई एक एबनॉर्मलिटी, डिसएबिलिटी क्रिएट तो नहीं हो रही है, ये सिचुएशन बहुत ज्यादा। जी डॉक्टर साहब, तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी तक जो भी हमने फोकस किया, जो भी बात की, वो की कि हम इसे जो है अर्ली आइडेंटिफाई कैसे करें। जो दूसरी बात आती है वो ये आती है कि यदि आप ऐसा कोई बच्चा देखते हैं जिससे आपको सस्पिशन हो रहा है कि इस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सेरेब्रल पाल्सी के कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तो क्या करें। मैं हमेशा इस बात पे ध्यान देता रहा हूँ जिस तरह की टीचिंग हुई है कि आदमी को अपनी लिमिटेशंस को पहचानना चाहिए। तो यदि आपको लगता है कि इस बच्चे में साइन है, उस स्टेज में मैं यूजली ये आपको नहीं समझाऊंगा कि आप पेरेंट्स को बताएं कि इसे कुछ प्रॉब्लम लगती है या ऐसे ये प्रॉब्लम है। जो पहली चीज आपको करनी चाहिए, उन्हें एक थोड़ा सा हिंट देके कि शायद कुछ गड़बड़ हो, हमें किसी डॉक्टर को रेफर करना चाहिए। अब किस तरह के डॉक्टर को रेफर करना है ये डिपेंड करता है कि आपके पास में क्या अवेलेबल है। यदि एक बच्चों के डॉक्टर हैं, बच्चों के दिमाग के डॉक्टर हैं, एडल्ट के दिमाग के डॉक्टर हैं, फिजिशियन है, कोई भी जिसे इस चीज़ का एक्सपर्ट है उसे रेफर किया जा सकता है। लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा सा आप हिंट दें कि कुछ शायद सही ना हो सकता है सब कुछ सही हो, लेकिन कुछ शायद सही नहीं हो और इस बच्चे को किसी डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है। यदि आसपास में कोई बच्चे का डॉक्टर है, जिसे पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, यदि वो अवेलेबल है तो आई थिंक एक पीडियाट्रिशियन जो होता है बच्चों का डॉक्टर, उसके पास इस बच्चे को सबसे पहले जाना चाहिए।
यदि पीडियाट्रिशियन अवेलेबल नहीं है तो जो भी एक सीनियर डॉक्टर आपके गांव में या टाउन में या सिटी में अवेलेबल है या जो बच्चे के घर के पास है उसे आप भेजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सपर्ट है लेकिन वो एक्सपर्ट जो है 200 किलोमीटर दूर है, आप उसे ही दिखा के आए, क्योंकि उसका रिजल्ट ये होगा कि वो बच्चा उस वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, या पहुँचेगा तो उसे 2 साल लग जाएंगे। तो जो भी पीडियाट्रिशियन या जो भी एक्सपर्ट घर के पास है जिसे इस बात का थोड़ा बहुत भी अनुभव है उसके बारे में, या उसे जो है बच्चे के पास जाना चाहिए। तो सबसे पहला अर्ली आइडेंटिफाई करना है। यदि आपको आइडेंटिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम समझ में आती है तो जो घर के आसपास ऐसा कोई भी डॉक्टर जिसे इस तरह के बच्चों के डेवलपमेंट को जांच करने का अनुभव है उसके पास बच्चे को भेजना चाहिए। और फिर बात यह आती है कि वो डॉक्टर क्या करेगा। डॉक्टर एसेंशियली वो ही करेगा जो आप कर चुके हैं, वो भी बच्चे के बारे में एक जिसे हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हिस्ट्री लेगा। ये पता लगाएगा कि बच्चे की माँ प्रेगनेंसी के समय कैसी थी, बर्थ के समय क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। वो पता लगाएगा कि बच्चा करता क्या है, खाता क्या है, हंसता क्या है। तो जो ऑब्जर्वेशंस आपने बनाए, जो ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आपने बच्चे को उस डॉक्टर के पास भेजा है, डॉक्टर भी उन्हीं चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस को मिला के फिर से पेरेंट्स से पूछेगा और फिर उसके बेसिस पे अपना असेसमेंट करेगा। आपने जो थोड़े बहुत जो टेस्ट किए थे, जैसा हमने वीडियो बनाया है या और कोई टेस्ट किए हैं, उन्हीं टेस्ट को डॉक्टर्स डिटेल में करेगा और फिर वो एक अपना असेसमेंट बनाएगा ये देखने के लिए कि हाँ इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम लगती है या नहीं लगती। मेरे एक्सपीरियंस में जब भी जो डॉक्टर्स की टीचिंग लेते हैं, यूजली ज़्यादातर डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर होते हैं थोड़े समय के असेसमेंट के बाद ये एक मोटी राय बना लेते हैं कि हाँ इस बच्चे को प्रॉब्लम है या नहीं है, और यूजली उसके बाद जो है वो कुछ जो है टेस्ट जो है उन्हें बताते हैं। जो टेस्ट होते हैं वो 2 तरह के टेस्ट होते हैं, या तो ब्लड टेस्ट वगैरह करके बताते हैं या फिर जो स्कैन होते हैं दिमाग के वो बताते हैं। आई पर्सनली रिकमेंड डूइंग MRI स्कैन जो होता है ब्रेन का। तो मैं कोई भी बच्चे यदि आता है तो मैं यूजली ये रिकमेंड करता हूँ कि उस बच्चे का हम MRI टेस्ट करें ये देखने के लिए कि उसके दिमाग में कोई चोट आई है या नहीं आई है। ये सबसे ज़्यादा साइंटिफिक और सबसे ज़्यादा रिलायबल होगा कि बच्चे का हम MRI स्कैन करें, जिससे कि हम इस बात को पता लगाएं कि क्या उसके जो ब्रेन की डेवलपमेंट है उसमें किसी तरह की कोई कमी रह गई है या नहीं रह गई है। जी, तो प्रॉब्लम ये होता है कई बार जो मैंने देखा है कि हम सोचते हैं कि बच्चे में कुछ चीज़ सही नहीं चल रही, जो डॉक्टर हैं वो भी एक असेसमेंट कर लेते हैं कि हाँ बच्चे में कुछ चीज़ सही नहीं चल रही, और जनरली एक बड़ा ग्रुप है डॉक्टर्स का जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि हाँ इसे सेरेब्रल पाल्सी है, अब इस बच्चे पे टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो ये जो है ये एक बड़ी गलत टेंडेंसी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो मैंने देखे हैं वहाँ पे ये होता है कि हाँ डॉक्टर ने बोला सेरेब्रल पाल्सी है, इसलिए उन्होंने मना ही कर दिया कि कोई भी टेस्ट नहीं करना है, कुछ भी करने से फ़ायदा नहीं होगा, अब ये बच्चा ज़िंदगी भर ऐसा ही रहने वाला है। मैं जो है यहाँ पर वो जो एक विचारधारा है उससे बड़ा डिफर करता हूँ। मेरी जो एक अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल सकूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ और जो वास्तव में होना चाहिए कि इन सब बच्चों के दिमाग का एक स्कैन होना चाहिए, और वो स्कैन होना चाहिए वो जो सेरेब्रल पाल्सी की जो डायग्नोसिस दी है उसे कंफर्म करने के लिए। जब तक उस डायग्नोसिस को हम कंफर्म नहीं कर लेते अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, हिस्ट्री से और ये जो दिमाग के स्कैन से, तब तक आइडियली स्पीकिंग जो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी होता है, कभी भी किसी बच्चे को इस तरह की डायग्नोसिस देना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह ये कि ये जो हम डायग्नोसिस देते हैं सेरेब्रल पाल्सी की या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी की, इसके बड़े लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं। एंड व्हाट आई मीन बाय लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, कि एक बच्चे पे एक ये स्टिग्मेटा धब्बा लग जाता है, ये बच्चा तो ऐसा ही है, दिमाग का कमजोर है, इसमें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, अब तो इस तरह इसमें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये स्कूल में कुछ नहीं कर पाएगा, ये जॉब नहीं कर पाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा, शादी नहीं हो पाएगी, तो एक लाइफ लॉन्ग एक जो है धब्बा लग जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा इस बात पे ध्यान देता हूँ, एम्फोसिस देता हूँ कि किसी भी बच्चे को जिसे सेरेब्रल पाल्सी डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं, कोई भी डॉक्टर हो, चाहे वो फिजिशियन हो चाहे पीडियाट्रिशियन हो, उन्हें स्कैन करा के उस डायग्नोसिस को कंफर्म करना चाहिए। और मैं उसे एलेबरेट करना चाहता हूँ कि उसे क्यों कंफर्म करना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि स्कैन देख के बताया जा सकता है कि दिमाग के किस हिस्से में चोट है,
किस हिस्से में डैमेज हुआ है और एक किस चीज़ में बच्चा ज़्यादा अच्छा चलेगा और किस चीज़ में नहीं चलेगा। तो कुछ बच्चे होते हैं सेरेब्रल पाल्सी की जिन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें समझदारी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ बच्चे होते हैं सेरेब्रल पाल्सी के जिन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है लेकिन देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो असेसमेंट है कि किस बच्चे को क्या होगा, ये दो तरह से पता लगाया जा सकता है, एक तो बच्चे को देख के और दूसरा स्कैन देख के। जैसे स्कैन देख के आप कई बातें बता सकते हैं कि दिमाग का जो हिस्सा जिससे स्पीच अफेक्टेड रहती है वो हिस्सा ज़्यादा अफेक्टेड लगता है, तो इस बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास में बहुत जल्दी से भेजना होगा। या इस बच्चे का जो स्पीच वाला जो दिमाग का हिस्सा है वो तो ठीक है लेकिन जो चलने वाला दिमाग का हिस्सा है वो सही नहीं है, तो इस बच्चे को फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजना होगा। तो आई पर्सनली रिकमेंड कि कोई भी बच्चा जिसे सेरेब्रल पाल्सी हम सस्पेक्ट करते हैं या आगे आने वाले समय में न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी होती है वो सस्पेक्ट करते हैं, उसे स्कैन करना चाहिए। अब दो तरह के स्कैन होते हैं, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा और आपने हमेशा, यदि आपने इस तरह के किसी बच्चे को डील किया हो, आपने सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं सीटी स्कैन कराना है, कुछ बोलते हैं एमआरआई स्कैन कराना है, कोई डॉक्टर बोलता है कि हमारे जान पहचान वाले का ये हुआ था उससे ही डायग्नोसिस बन गया था। तो मैं पर्सनली कहता हूँ कि जो दोनों ही तरह के स्कैन हैं, चाहे वो सीटी स्कैन है चाहे वो एमआरआई स्कैन है, दोनों ही स्कैन अच्छे हैं। दोनों की कुछ कमियाँ हैं, डाउनसाइड हैं, दोनों की कुछ अच्छी बातें हैं। तो जो भी स्कैन जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो जल्दी से हो सकता है, वो स्कैन करा सकते हैं। सीटी स्कैन जो है वो 2 या 3 मिनट में हो जाता है, तो उसमें कोई भी समय नहीं लगता। यदि आप देखें तो ज़्यादातर पेरेंट्स इसे अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि जो कॉस्ट है वो अलग अलग सेंटर में 700-800 रुपये से 2000 रुपये तक है और काफ़ी कुछ जानकारी दिमाग के विकास के बारे में सीटी स्कैन से मिल जाती है। जो दूसरी तरह का स्कैन होता है वो होता है एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन जो है ये थोड़ा सा सुपीरियर क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन है, ये थोड़ा सा नया इन्वेस्टिगेशन है, नया मीन्स करीब 10 साल से है, सीटी स्कैन 20 साल से है मार्केट में। एमआरआई स्कैन के एक और जो फ़ायदा है वो ये है कि इससे बड़ी डिटेल जानकारी मिलती है। तो कई बच्चे जो सेरेब्रल पाल्सी के होते हैं या इवेंचुअली सालों सालों के बाद उनकी डायग्नोसिस सेरेब्रल पाल्सी बनती है, उनका हम देखते हैं कि जो सीटी स्कैन हुआ था वो नॉर्मल, लेकिन जब हमने एमआरआई स्कैन किया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम निकला। जो तो पर्सनली यदि हम बोलें कि हम राम भगवान के ज़माने में रहते हैं, जो आइडियल वर्ल्ड है या वेस्टर्न कंट्रीज़ है जहाँ पे सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं मेडिकल केयर, वहाँ पर ज़्यादातर सबका एमआरआई स्कैन होता है, सीटी स्कैन नहीं होता। लेकिन जो एमआरआई स्कैन है उसका जो इंडिया के जो हमारा सिनारियो है उसमें दो डाउनसाइड है। नंबर एक कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, ज़्यादातर सेंटर में 5000 रुपये से 10000 रुपये की इसकी कीमत आती है, तो कई पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा इसका एक डाउनसाइड ये होता है कि जो सीटी स्कैन है वो करीब 2 मिनट में हो जाता है लेकिन जो एमआरआई स्कैन है उसे करने में करीब 40 से 45 मिनट का वक्त लगता है। अब 40 से 45 मिनट तक किसी बच्चे को बिना सिर हिलाए रखना प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए बच्चे को या तो नींद की दवाई देनी पड़ती है या जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। तो उस वजह से जो पूरी प्रोसेस होती है एमआरआई स्कैन को करने की वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है या कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो अगेन जो एम्फोसिस है, जो इतना मेरा समझाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आइडियली स्पीकिंग एमआरआई स्कैन होना चाहिए लेकिन यदि वो संभव नहीं है तो सीटी स्कैन से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि बच्चे की एमआरआई स्कैन ही हो जिससे कि सिचुएशन की हमें ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिससे कि हम इस बात को कर सकें कि उसके बच्चे के साथ में किस तरह की ट्रीटमेंट हमें आगे करनी है या की जानी चाहिए। जी, ये जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चीज़ पर मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहूँगा कि हो सकता है आप व्यूअर्स में से कुछ लोग बैठे हों जो मेरी इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करें, बिल्कुल इस बात को ना माने। और ये मैं कह अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे रहा हूँ कि मैं जब आया यहाँ पे इंडिया में आया 8 महीने पहले और मैं एक कॉन्फ्रेंस में बोलने गया तो मैंने यही बोला कि हर बच्चे का एमआरआई होना चाहिए। और वहाँ पे एक बड़े सीनियर प्रोफेसर बैठे हुए थे जिन्होंने स्टेज पे पब्लिक के सामने मुझसे डिबेट किया कि एक बच्चा जिसकी आप हिस्ट्री से उसके माँ बाप से पूछ के आप पता लगा सकते हैं कि इसे सेरेब्रल पाल्सी है नहीं, एक बच्चा जिसे बर्थ के समय देर से रोने की हिस्ट्री है, एक बच्चा जिसे शुरुआत से दौरे आ रहे हैं, एक बच्चा जिसकी हमें सबको पता है सेरेब्रल पाल्सी है, उसे हम एमआरआई क्यों करें? जिस बच्चे की हमें डायग्नोसिस पता है उस पर हम 7000 रुपये का क्यों पैसा दें
सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन करने में, उससे अच्छा तो हम वो 7,000 हैं थेरेपीज पे लगाएं, अर्ली इंटरवेंशन पे लगाएं, जिससे उस बच्चे का भला हो सके। तो यहाँ पर जो मैं अपना पॉइंट रख रहा था कि हर बच्चे का एमआरआई होना चाहिए, और वो जो अपना पॉइंट रख रहे थे कि एमआरआई जो है इंडियन सिनारियों में करना संभव नहीं है, तो हमारी ये एम्फोसिस नहीं होनी चाहिए कि एमआरआई जो है वो हर बच्चे का होना चाहिए। तो यहाँ पे दो ओपिनियन के डॉक्टर से प्रोफेशनल्स आपको मिलेंगे। तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि एमआरआई होना चाहिए, वो इसलिए कि एज अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हम कई बार देखते हैं कि जिन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी की डायग्नोसिस दी हुई, उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल्स में देखा जा चुका है, अलग अलग एक्सपीरियंस डॉक्टर्स ने देखा हुआ है, और उन्हें सेरेब्रल पाल्सी की डायग्नोसिस दी हुई है, लेकिन जो हमारे पास आते हैं हम उनका कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम देखते हैं ये तो सेरेब्रल पाल्सी है ही नहीं, ये तो एक ऐसी बीमारी है या मेडिकल कंडीशन है जिसे हम दवा दे के इलाज कर सकते हैं, और वो कंडीशन चूंकि इस बच्चे का कभी स्कैन हुआ ही नहीं है तो किसी ने पता ही नहीं लगाया, क्योंकि वो सेरेब्रल पाल्सी ऐसी दिखती है तो लोगों ने उसे सेरेब्रल पाल्सी मान लिया और बच्चे को थेरेपिस्ट के लिए भेज दिया कि इसकी ये थेरेपीज करें, कभी उस बच्चे के ट्रीटमेंट के बारे में सोचा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं रिकैप करूंगा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहला कहा कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, की हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करें। उसके लिए हमने पहला किया कि हमें जनरल ऑब्जर्वेशन करने हैं कि बच्चा कैसा दिखता है। दूसरा, हमें कुछ डेवलपमेंट के बारे में उसका पता करना है कि ये सही समय पे बोलना चलना इसने चालू किया है नहीं किया। तीसरा, हमने कुछ टेस्ट किए, मोरोस टेस्ट या ग्रास रिफ्लक्स देखा, उनके बेसिस पे हमने डॉक्टर के पास भेजा, डॉक्टर ने स्कैन किए हुए या बिना स्कैन किए हुए एक डायग्नोसिस बनाया सेरेब्रल पाल्सी का। जब हम इस स्टेज में आ गए, पांचवी स्टेज में, तब हर किसी को, चाहे वो एक न्यूरोलॉजिस्ट हो चाहे वो फिजिशियन हो, हमें अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, एंड दैट इज इट सेरेब्रल पाल्सी। जो हमने डायग्नोसिस बनाया है वो सही डायग्नोसिस है नहीं, इस बच्चे को वास्तव में सेरेब्रल पाल्सी या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है वो है नहीं। और वो एम्फोसिस मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सालों से मैं इस तरह के केसेस देखता आया हूँ जिन्हें सेरेब्रल पाल्सी की डायग्नोसिस मिली हुई है, लेकिन वास्तव में उन बच्चों को कोई और बीमारी है जिसका दवा से या ऑपरेशन से इलाज किया जा सकता है। तो जो फाइनल स्टेज है, जब हम एक बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सेरेब्रल पाल्सी की, जो फाइनल स्टेज है वो यही है कि जो हम बीमारी इस बच्चे को बोल रहे हैं वो वास्तव में इसे है या नहीं। और इस आंसर का जो एक जो कन्विंसिंगली जो जवाब है, जब तक आपका स्कैन नहीं होगा, चाहे वो एमआरआई स्कैन हो चाहे वो सीटी स्कैन हो, तब तक पता नहीं चलेगा। और इसलिए मैं हमेशा एम्फोसिस देता रहा हूँ, जो मेरी टीचिंग हुई है, कि हम उन बच्चों का एमआरआई करें और उसे कंफर्म करें कि ये जो बीमारी है ये है या नहीं। ये लास्ट में जो एमआरआई स्कैन है मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स बैठे हैं उसमें से बहुत कम लोग डॉक्टर्स होंगे और आप लोगों को अकेले एमआरआई देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप इस पिक्चर को देख सकते हैं तो आपको आइडिया लगे कि एक एमआरआई स्कैन ऐसा दिखता है। ये जो सफ़ेद सफ़ेद इस फोटो में ब्रेन में दिख रहा है, ये सबसे पहले तो ये ब्रेन का एमआरआई है, और जो ग्रे और वाइट मटेरियल जो दिख रहा है वो ब्रेन है, और जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वो ब्रेन के अंदर की कैविटी है जिसमें पानी भरा होता है। नॉर्मली जो कैविटी है वो बहुत छोटी होती है, और एक ये सेरेब्रल पाल्सी के जो टिपिकल एक जो बच्चा होता है उसका एमआरआई है जिसमें ये कैविटी बहुत बड़ी दिखती है। जो एमआरआई इस मीटिंग में इस शो में दिखाने का मेरा पर्पस ये है कि ज़्यादातर बच्चों का इस तरह का एमआरआई बहुत ईजिली डायग्नोस किया जा सकता है। तो एमआरआई जितना डिफिकल्ट होता है करने के लिए, उसका इंटरप्रिटेशन सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में उतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो हर बच्चे का यदि संभव है उसका एमआरआई स्कैन, यदि कॉस्ट जो है वो इशू है तो एक सीटी स्कैन वो होना चाहिए, उस कंडीशन को जानने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि ये सेरेब्रल पाल्सी है या नहीं। मेरे पास एक और वीडियो है जो मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि एक और बच्चा जिसे 7 साल में सेरेब्रल पाल्सी की डायग्नोसिस दी हुई थी और उसे इस बारे में छोड़ा हुआ था कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, जब हमने वास्तव में उस बच्चे को एग्जामिन किया, उसका एमआरआई किया, तो उस बच्चे को एक ऐसी कंडीशन निकली जो सेरेब्रल पाल्सी थी ही नहीं, एक ऐसी कंडीशन निकली जिसका इलाज सालों, ये जो 7 साल का बच्चा था कम से कम 3 साल पहले इसका चालू हो जाना चाहिए था।
यानी कि जैसे आप बता रहे थे कि कुछ ऐसी अदर डिजीजेस भी होती हैं जो कि देखने में ऐसा लगता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसबैलेंस से रिलेटेड है, लेकिन रियली ऐसी नहीं थी। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे व्यूअर्स के लिए कि हमें इस बात के लिए श्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी ही है या नहीं है, क्योंकि कुछ अदर ऐसी डिजीज हो सकती है जो जिसमें जिसके सिम्टम्स कुछ इसी के जैसे दिखते हों, और ऐसे में एक सीधे ये एक डिसीजन ले लेना कि बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी है और इसके साथ में इस तरह की ट्रीटमेंट की जानी चाहिए, ये अपने आप में गलत है। तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि जहां पर बच्चे के पूरे फ्यूचर की बात है तो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होने वाली बात, थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए अपने आप को एडजस्ट करने की, और इस चीज को करें कि बच्चे की MRI जरूर कराएं इस चीज को फाइनल डिसीजन लेने के लिए कि बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी जैसी सिचुएशन है या नहीं है। अब यहां पर एक हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि अगर बच्चे में से MRI के बाद में फाइनल स्टेज हो गई, फिर उसके बाद में हमें कैसे स्टेप्स उठाने चाहिए बच्चे की भलाई के लिए। This is Zapana. She loves chess and Shah Rukh Khan.
Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. This is Raj Bala. With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. अभी हमारा फोकस इस बात पर था कि बच्चे में अगर कुछ अर्ली आपको ऐसे आइडेंटिफिकेशंस मिलते हैं जिसमें कि बच्चे की डेवलपमेंट, उसकी कुछ एक्टिविटीज, उसके रिएक्शंस नॉर्मल बच्चों की तरह से डेवलप नहीं हो रहे हैं, वो ऐसे रिएक्शंस नहीं दे रहा है, तो उसमें सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है. तो इस चीज को डायग्नोज करें, आप एक डॉक्टर को रेफर करें बच्चे को, और उसको इस बात को समझने की कोशिश करें कि बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि नहीं. खास करके जैसा कि सर बता रहे थे कि MRI उसका स्कैन जरूर कराया जाना चाहिए, जिससे कि हम फाइनल असेसमेंट हम इस बात पर कर सकें कि बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं है. जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि ऐसे कभी कभी देखा जाता है कि हम अर्ली जो स्टेज की हमने एक सिम्टम्स देख करके इस बात को डिसाइड कर लिया कि उसमें सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है, जबकि उसमें ऐसी कुछ बात थी ही नहीं. तो इस पर एक फाइनल डिसीजन, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर में उसकी पूरी की पूरी लाइफ डिसाइड करने वाला है, तो हमें इस बात को फाइनल असेसमेंट देने के पहले जरूर इस बात पर एकदम फाइनल हो जाना चाहिए कि बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं है. चूंकि इस बात पर अभी हम अपनी चर्चा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं फिर एक बार आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे एक्सपर्ट से कोई सजेशन लेना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं, कुछ सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा नंबर है 1800112008, और हमारा लैंडलाइन नंबर 0112651113, और हमारा फैक्स नंबर 0112651609 है. तो इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि ऐसे भी केसेस देखने को आते हैं जिसमें कि हमने अर्ली कुछ सिम्टम्स देख लिया और फाइनल ये कर दिया कि बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जबकि उस बच्चे की पूरी लाइफ इस बात से डिस्टर्ब होने वाली है. तो इसके लिए MRI स्कैन करना तो आपने एक बताया कि वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इसके साथ में और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि फाइनल असेसमेंट दे सकें कि बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम है या नहीं है. एक जो कॉमन परसेप्शन है, चाहे वो डॉक्टर्स का हो, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे कम्युनिटी में सोसाइटी में है, वो ये है कि कोई भी बच्चा जो चल नहीं पाता, या तो इसे सेरेब्रल पाल्सी है या कुछ पोलियो हो गया होगा, इस तरह की जो कॉमन चीज़ें हैं वो है. और कोई भी बच्चा जो चल नहीं पाता, उन्हें या तो पोलियो या सेरेब्रल पाल्सी का एक लेबल लगा दिया जाता है
और फिर उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं की जाती हैं, पढ़ते हैं जितना ठीक है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, नहीं चलते तो राधा दिन ये देखने के लिए कि इन्हें कैसा चलाया जाए, एक मान लिया जाता है कि नहीं चलता है तो ठीक है इसमें इसकी क्या गलती। तो ये जो सेरेब्रल पॉलिसी का जैसे मैं शुरुआत में बोला ये लेवल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी रिसेंटली हमने एक बच्चे को देखा जिसे सेरेब्रल पॉलिसी की डायग्नोसिस है, करीब 7 साल से उसे दी हुई थी, हमने उसे एग्जामिन किया और देखा कि इसे तो सेरेब्रल पाल्सी है ही नहीं, इसे एक कंडीशन है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो उस बच्चे का मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और जब ये देखें तो आप देखें कि ये बच्चा बैठा हुआ है और ये बैठते बैठते जो है खड़ा कैसे होता है, इस बात पे आप ध्यान रखें। और उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी और हमने इसे कैसे डिटेक्ट किया। तो ये बच्चा बैठा हुआ है और हमने जब इसे खड़ा होने का बोला तो इससे बड़ी प्रॉब्लम है खड़े होने में। पहले ये अपने ज़मीन पर हाथ रखता है, फिर पैर पे हाथ रखता है, फाइनली पेट पे हाथ रखता है और फिर खड़ा होता है। अब इस बच्चे को जो डायग्नोसिस है वो सेरेब्रल पाल्सी का दिया हुआ था। इसकी शायद कुछ फिजियोथेरेपी चल रही थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। लेकिन जब मैंने इसकी हिस्ट्री ली तो ये देखा कि ये बच्चा नॉर्मल था, प्रेगनेंसी के समय कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, जब ये पैदा हुआ था तुरंत रोने लगा था, माँ की कभी कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी, पहले 2-3 साल तक इसने हर काम अच्छे से किया था, सही समय पे हंसा था, सही समय पे बैठा था, सही समय पे चलना चालू किया था, कभी इसे कोई दौरे या जो कन्वर्जन है या मिर्गी है तो नहीं आई थी। 3 या 4 साल के बाद की उम्र से इस बच्चे का चलना थोड़ा कम हो गया, चलते चलते गिरने लगा और फिर इसे डायग्नोसिस एक सेरेब्रल पाल्सी का दे दिया गया। तो ये एक क्लासिकल नहीं होना चाहिए, एक टिपिकल मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक है जो फिजिशियंस, डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, नर्सेस, पेरेंट्स, दादा दादी सब करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है तो या तो सेरेब्रल पाल्सी होगी या पोलियो होगी, और दोनों का इम्प्लीकेशन ये है कि अब इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जबकि ये जो साइन जो हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया वीडियो में दिखाया, इसे हम गॉवर साइन बोलते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में, और ये साइन होता है एक बीमारी का जिसे हम बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये बच्चे हमेशा नहीं, ज़्यादातर जब भी हमारे क्लिनिक में आते हैं ये सेरेब्रल पाल्सी की डायग्नोसिस से आते हैं, किसी ने इनका स्कैन नहीं किया होता और एक ये डायग्नोसिस है ये चलती रहती है और इन्हें कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। अब हम यदि इसी बच्चे का MRI करें तो जो सेरेब्रल पाल्सी है उसके बच्चे के MRI में तो हमें प्रॉब्लम दिखेगी, इस बच्चे का MRI हमें बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा। तो इसलिए जो मैं थोड़ी देर पहले जो एम्फोसिस दे रहा था कि किसी भी डायग्नोसिस, किसी भी बच्चे जिसे हम सेरेब्रल पाल्सी सोचते हैं, MRI या स्कैन करा के उसकी डायग्नोसिस को आप कन्फर्म करें। यदि MRI में प्रॉब्लम आता है, MRI जो है जो सेरेब्रल पाल्सी की डायग्नोसिस है उससे मिलता है, तो फिर हम सेरेब्रल पाल्सी की लाइन में जैसे हम बोलते हैं इंटरवेंशन स्टार्ट करें, और जो आपने सुना होगा अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट होने चाहिए। जो बच्चा यदि जिसका MRI नॉर्मल आता है उससे दूसरी बीमारियां सोची जाएं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसका ये बच्चा हमने देखा वीडियो में, या फिर कई अलग तरह की बीमारियां हैं जो MRI में पता चलती हैं, लिकोडिस्ट्रॉफीज, उनके बारे में हम देखें, इन्वेस्टिगेट करें और उनका ट्रीटमेंट करें। जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसके लिए हम बच्चों को स्टेरॉइड से ट्रीट करते हैं। अब ये बच्चा हमारे पास 7 साल की उम्र में आया, यदि यही बच्चा 3 साल में आया होता, सेरेब्रल पाल्सी के सस्पिशन से आया होता, और यदि हमने MRI इसे नॉर्मल देखा होता तो शायद हमने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की डायग्नोसिस आज से 3 साल पहले सोची होती और इस बच्चे का ट्रीटमेंट 3 साल पहले स्टार्ट किया होता। अब चूंकि किसी ने इसे सोचा नहीं, सेरेब्रल पाल्सी की डायग्नोसिस दे दी गई, MRI कभी किया नहीं गया, इसलिए जो ट्रीटमेंट है वो 3 साल जो है डिले हो गया। और जैसा आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, टीवी चैनल्स पे देखा होगा, इंटरनेट पे पढ़ा होगा कि अर्ली इंटरवेंशन, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सेरेब्रल पाल्सी हो, चाहे वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, यदि अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन से मतलब है जल्दी ट्रीटमेंट करना, यदि वो चालू किया जाए तो जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, फॉर बेटर रिजल्ट यहाँ पर मिलते हैं अगर जितनी जल्दी हम बच्चे को इंटरवीन करते हैं और उसको शुरुआत करते हैं। ये तो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई, लेकिन यहाँ पर जो जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि बच्चे में इस तरह की और भी डिजीजेस हो सकती हैं, तो ऐसी डिजीजेस को फाइनली हम MRI करके इस बात पर फाइनल एक असेसमेंट देने की सिचुएशन में होते हैं कि बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी की सिचुएशन है या नहीं है। तो इसलिए जो है मैं हमेशा इस बात पे एम्फोसिस देता हूँ कि किसी भी बच्चे को जिसे सेरेब्रल पाल्सी की संभावना दिखती है उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस किए जाएं,
उसे जो है ज़्यादातर बच्चे वो जहाँ तक मैं बोलता हूँ इन्वेस्टिगेशंस किए जाएँ वो सिर्फ MRI की उन्हें ज़रूरत होती है, या MRI अफोर्ड नहीं कर सकते तो CT स्कैन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमने MRI भी दिखाया था जिसमें फ्लूइड वाली कैविटी सफ़ेद रंग की बड़ी दिख रही थी वो हमें CT स्कैन में भी दिखेंगी। तो स्कैन से डायग्नोसिस कन्फर्म की जाए और उसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट है, यदि सेरेब्रल पाल्सी है तो उस हिसाब से तैयार किया जाए, यदि सेरेब्रल पाल्सी नहीं है कोई दूसरी बीमारी है तो उस लाइन पर किया जाए। ये जो वर्ड है अर्ली इंटरवेंशन, ये आप सब लोगों ने सुना होगा और इसका एसेंशियली हिंदी में जो मतलब है वो ये है कि अर्ली इंटरवीन करना, मतलब जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना या इंटरफियर करना उसके मैनेजमेंट में। अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में जो US है, इंग्लैंड है, बहुत सारे रिसर्च आए हैं जो ये बताते हैं कि कोई बच्चा जिसकी सेरेब्रल पाल्सी की डायग्नोसिस होती है यदि उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए जल्दी, और कोई बच्चा जिसका बाद में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए, यदि हम दोनों के रिजल्ट्स को 5 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में कंपेयर करें तो जिस बच्चे में अर्ली इंटरवेंशन जल्दी ट्रीटमेंट किया गया है उनका जो लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस होते हैं, जो लॉन्ग टर्म उनके रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो सबसे कॉमन फॉर्म है सेरेब्रल पाल्सी का, वो सेरेब्रल पाल्सी की एक जो कॉमन हमारी धारणा होती है, यदि इसे सेरेब्रल पाल्सी है मतलब ये बच्चा विकलांग है, ये बच्चा चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इसे समझदारी नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रपोर्शन है सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों का वो प्रपोर्शन है जो बच्चे करीब करीब बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उन्हें हल्की सी चलने में प्रॉब्लम होती है जिसे हम बोलते हैं स्पास्टिसिटी, पैरों में थोड़ा सा कड़ापन होता है। तो जो सबसे ज़्यादा सेरेब्रल पाल्सी है वो उस तरह की होती है। यदि हम उस तरह के बच्चों को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लें और उसे अर्ली इंटरवीन कर लें, अर्ली इंटरवीन करें मीन्स फिजियोथेरेपी है उसकी जल्दी चालू करें, तो आप देखेंगे कि उन बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो दिखती ही नहीं, वो बच्चे नॉर्मल चलते हैं, उनके जो साथ में क्लासरूम वाले हैं, बच्चे हैं, स्कूल टीचर हैं, कोई पता ही नहीं लगा सकता कि इन्हें माइल्ड सेरेब्रल पाल्सी। यदि मैं अपने वेस्टर्न वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करूं तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें सेरेब्रल पाल्सी है और उनके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्हें भी ये पता नहीं है कि इन्हें सेरेब्रल पाल्सी है, क्योंकि उनका अर्ली डायग्नोसिस बनी है, अर्ली उन्हें इंटरवीन किया गया है और एक बहुत जल्दी बहुत कम समय में, जब उनकी उम्र जो है बहुत छोटी थी तब जो है ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट हुआ है, और ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है उस वजह से जो है रिजल्ट्स अच्छे आए। अर्ली इंटरवेंशन के रिजल्ट चाहे वो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी हो उससे भी अच्छे होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो उससे भी अच्छे होते हैं। ये जो मैंने 3 टर्म यूज़ किए वो मैं थोड़ा सा मैं एलाबरेट करूँगा, क्योंकि जो कॉमन पीपल हैं जो आम आदमियों से समझ में ही नहीं आते कि डॉक्टर्स ने बोला ये थेरेपी चलेगी, ये थेरेपी चलेगी, ये थेरेपी चलेगी, थेरेपिस्ट के जाओ कुछ कुछ सिखाता रहता है और हमें पता नहीं कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। जो हमारी सेरेब्रल पाल्सी की बोलता हूँ जो दुनिया होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी होती है, उसमें 3 तरह के थेरेपिस्ट होते हैं, तीनों अलग अलग तरह के होते हैं और तीनों की अपनी एक अलग इम्पॉर्टेंस होती है, और तीनों का ही मिला के कॉमन जो अर्ली इंटरवेंशन होता है उसकी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं जो यदि बच्चा चल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, गर्दन नहीं संभालता है, वीकनेस है, उस पर काम करते हैं, वो उस तरह की एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे जो बच्चे लंगड़ा के या थोड़ा सा गेट उसका अनस्टेबल है वैसा चलता है तो अच्छे से चलने लगे। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं उनका काम होता है बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करना। फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं? चम्मच से खाना खाना, अपने शर्ट के बटन खुद खोलना, अपने शर्ट को खुद से पहनना, अपने जूते के फीते बांधना। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं चलना, बैठना, भागना, दौड़ना, उस पर इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करते हैं। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं फाइन मोटर स्किल्स, चम्मच से खाना, नाइफ को यूज़ करना, फोक को यूज़ करना, कॉपी पेन से लिखना, उस चीज़ पे काम करते हैं। और जो तीसरे तरह के थेरेपिस्ट होते हैं वो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट होते हैं, जो बच्चा बोलता कैसा है, यदि बोलता है तो वो हकलाए नहीं, कुछ वर्ड्स बोल पाता है तो ज़्यादा वर्ड बोल पाए, उन पर काम करते हैं। और जो अर्ली इंटरवेंशन जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो जो होना चाहिए शुरुआत में, जब भी किसी बच्चे की सेरेब्रल पाल्सी की डायग्नोसिस कंफर्म होती है, ये तीनों लोगों से, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, तीनों लोगों से उसका असेसमेंट होना चाहिए और फिर उसे जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो। हमेशा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें फिजियोथेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो बोलते अच्छे से हैं, लिखते अच्छे से हैं लेकिन चल नहीं पाते। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि वो चलते अच्छा है, लिखते अच्छा है लेकिन बोल नहीं पाते। तो ये पूरा एक जिसे हम
बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी असेसमेंट होना चाहिए और उस हिसाब से उस बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन में फिजियोथेरेपिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है या स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, वो जो नीड है वो डिसाइड होना चाहिए और उस हिसाब से इंटरवेंशन कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पर आपकी बातों से जो दो बात सबसे ज्यादा निकल करके आई कि सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो दो स्टेज में ज्यादा होती है, एक या तो स्पीच पर वो अफेक्ट करती है, दूसरा या तो मोशन पर अफेक्ट करती है, यानी कि बच्चे में एक ही तरह की कमी ज्यादातर देखने को मिलती है, या तो उसकी स्पीच में यानी कि बोलने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या उसके मोशन या उसके चलने से मूवमेंट में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर मैं एक बात पर जरूर आपको फोर्स करना चाहूंगा कि सेरेब्रल पाल्सी अगर है तो भी इसके बाद में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू हम बच्चे को इतना एबल बना सकते हैं कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह से या मैक्सिमम जितना भी हम उसके लिए बेस्ट एफर्ट कर सकते हैं कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह से डेवलप करे, अपनी लाइफ में अपनी ऑक्यूपेशन को एक ग्रहण करे और उसके थ्रू वो अपनी लाइफ को आगे चलाए, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होने की वजह ये कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि वो खुद अपने आप में सेल्फ इतना एबल रहे कि अपनी सारी जरूरतों को पूरा करे, अपने सारे काम को आगे चला सके। इसलिए सेरेब्रल पाल्सी फाइनल होने के बावजूद हमें निराश होने की जरूरत नहीं है बल्कि उसके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है जिससे कि बच्चे को हम ज्यादा से ज्यादा एबल बना सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि बच्चे को हमको एक सेरेब्रल पाल्सी अगर हम ये देख लेते हैं कि बच्चे में है तो उसके बाद उसकी किस्मत पर उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है ये जैसा भी कर रहा है जितना भी कर रहा है ठीक है इसमें इसकी क्या गलती है, तो यहाँ पर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे खास करके पेरेंट्स को या जिनके आसपास में ऐसे लोग हैं ऐसे बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए बच्चे को और ज़्यादा एबल बनाने के लिए जिससे कि वो केवल अपने डेली एक्टिविटीज़ में ही नहीं अपने ऑक्यूपेशनल लेवल पर भी एक बेटर परफॉर्मेंस दे सके और हमने आपको आगे साबित कर सके। हमेशा जब भी ऐसा कोई भी बच्चा जिससे आप डील कर रहे हैं चाहे एज अ पेरेंट चाहे एज अ दादा दादी एज अ डॉक्टर एज अ नर्स, डायग्नोसिस जो एम्फोसिस होना चाहिए वो हमेशा होना चाहिए कि आप उस बच्चे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उसका मैक्सिमम पोटेंशियल दिलाने के लिए। यदि किसी बच्चा है जिसे सेरेब्रल पाल्सी की डायग्नोसिस है तो आप जब भी वो आपके पास आता है एम्फोसिस कभी ये नहीं होना चाहिए उसे याद दिलाने की कि हाँ बेटा तुम्हें सेरेब्रल पाल्सी, एम्फोसिस हमेशा होना चाहिए कि कल बेटा तुम चले थे दो महीने में तुम्हें दौड़ना है। तो हमेशा जो अचीव कराना है पोटेंशियल जो कराना है उस पर एम्फोसिस पॉजिटिव अप्रोच उसके बच्चे के अंदर में क्रिएट करना पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। One needs to understand that cerebral palsy is a broad term, बहुत बड़ा term है। Cerebral palsy एक अकेली बीमारी नहीं है, हजारों बीमारियाँ होती हैं जिनके लिए common term use होता है cerebral palsy। ज़्यादातर लोगों को जो cerebral palsy होती है उसे successfully treat किया जा सकता है। बहुत proportion, good proportion of people जिन्हें होगा उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें खुद है या उनके साथ वालों को पता नहीं होता, जिंदगी जिंदगी भर डायग्नोसिस नहीं बनती। तो ये जो है सेरेब्रल पाल्सी एक सोशल स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे या बड़े इससे ज़्यादा प्रभावित हैं, चल नहीं पाते या चलने में प्रॉब्लम है, बोल नहीं पाते या क्लियर नहीं बोल पाते, लिख नहीं पाते या लिखते हैं तो हैंड राइटिंग खराब है, उन्हें जो एम्फोसिस होनी चाहिए वो एक अर्ली इंटरवेंशन हो, जो थेरेपिस्ट हैं वो उन पर शुरुआत से मेहनत कर सकें और उनका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो अचीव कर सकें। एक जो कॉमन परसेप्शन है कि ये सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा है ये कुछ नहीं कर सकता, दैट शुड चेंज। और ये होना चाहिए कि सेरेब्रल पाल्सी का ही बच्चा है लेकिन कर सब कुछ कर सकता है, इसे थोड़े से ज़्यादा सपोर्ट या थोड़े से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है किसी दूसरे बच्चे के साथ। मैं ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं ना जब मैं काउंसिल करता हूँ या डायग्नोसिस बनाता हूँ या मेरे अंडर में जब थेरेपिस्ट उनका इलाज कर रहे हैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ये बच्चा सब कुछ कर सकता है जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, दूसरे बच्चों के कंपेरिजन में शायद इसे थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा लगे और शायद ये कुछ समय पीछे चले। दूसरा बच्चा यदि एक साल की उम्र में चलना चालू किया था हो सकता है इसे 15 महीने लगे 13 महीने लगे। और एम्फोसिस ये होना चाहिए कि ज़्यादातर बच्चे जो सेरेब्रल पाल्सी के हैं वो ठीक होते हैं, उन्हें थोड़े से पेरेंट्स के स्कूल टीचर के थेरेपिस्ट की ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों की डायग्नोसिस हिस्ट्री और जो एग्जामिनेशन है उससे करीब करीब पता लगाई जा सकती है।
कंफर्म करने के लिए आई एम अ बिलीवर कि हर बच्चे का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और मोस्ट ऑफ द केसेस में द इन्वेस्टिगेशन यू नीड इज ईदर अ सीटी स्कैन और एक या एमआरआई स्कैन की जरूरत होती है। यदि उससे कंफर्म होती है डायग्नोसिस तो अर्ली इंटरवेंशन जो है जहां हो सके वहां पे बच्चे को भेजना चाहिए, एक फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से बच्चे को मिलना चाहिए। बच्चे में कभी भी ये फीलिंग हमें ये नहीं डालनी, उसे कभी भी ये नहीं बोलना है कि तुम्हें सेरेब्रल पाल्सी है तो तुम दूसरे लोगों से अलग हो। तुम्हें सेरेब्रल पाल्सी है, जैसे किसी की हाइट कम होती है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी के बालों का रंग काला होता है, किसी के बालों का रंग नीला होता है, तो उस तरह का सेरेब्रल पाल्सी एक सोशल स्टिग्मा जो है वो नहीं बनना चाहिए। और पेरेंट्स को भी एक ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर विद इन देमसेल्फ डेवलप करना पड़ता है और करना चाहिए कि मेरे बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे बच्चों से नीचे है या कुछ कर नहीं सकता, मेरे बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है तो ठीक है, ज़्यादातर सारी चीज़ें तो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, वो कर सकता है, इसे ज़िंदगी भर हो सकता है एक आध कोई दवाई लेनी पड़े, हो सकता है वो भी ना लेनी पड़े, लेकिन ये ज़्यादातर बच्चे जो सेरेब्रल पाल्सी के हम देखते हैं वो जॉब भी करते हैं, उनकी एक नॉर्मल फैमिली लाइफ भी चलती है, एक नॉर्मल उनकी इंटेलिजेंस होती है। एक बड़ा स्मॉल प्रोपोर्शन होता है सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे का जिनका जिंदगी में हो सकता है झटके आते रहें, जो काम नहीं कर पाए, लेकिन इमेज जो बन जाती है कि सेरेब्रल पाल्सी है मतलब हम हमेशा उन बच्चों के बारे में सोचते हैं जो कुछ नहीं कर पाते, सोचना उनके बारे में जो ज़्यादातर बच्चे जो सब कुछ कर पाते हैं उनके बारे में हमें सोचना है, और एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच से जो है हमें इसे डील करना चाहिए, एक पॉजिटिव अप्रोच से डील करना चाहिए। और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो कि आप कहने की कोशिश कर रहे थे अपने शब्दों में कि उनके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना चाहिए, उनको किसी तरह से निगेटिव ऐसे वर्ड्स ऐसे टर्म नहीं यूज़ करना चाहिए जिससे कि उनके उनका एक डिप्रेशन अपने आप को फील करें और उनका कॉन्फिडेंस गिर जाए जिससे कि वजह से जो कर सकते हैं वो भी ना कर पाए। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात होती है इस बात को समझना कि अगर इस तरह के बच्चे में किसी तरह की आपको सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड कोई सिचुएशन दिख रही है उसके बावजूद उस बच्चे को इस बात के लिए बूस्टअप किया जाना चाहिए, उसको ट्रेन किया जाना चाहिए, उसको गाइड किया जाना चाहिए कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को किस तरह से ट्रीट कर सकता है, किस तरह से गाइड करके उसको आगे की तरफ चला सकता है। उसको निश्चित रूप से जैसा कि अभी आप हमारी पूरी परिचर्चा के दौरान आपने देखा कि बच्चे में किसी एक खास तरह की प्रॉब्लम होती है, या तो स्पीच से रिलेटेड होगा या उसकी मोशन से रिलेटेड होगा, तो जिस तरह की जो उसके जिस पार्ट में प्रॉब्लम है उसके सेकेंडरी पार्ट जो उसका ज्यादा स्ट्रेंथन एरिया है उसको हम बूस्टअप करके उसी को यूज करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि जो उसके जिस पार्ट में कमजोरी है उसको हम उसके सामने रखें और उसे वो डिप्रेस होता रहे। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने बोला। प्रोग्राम खत्म करने के पहले जस्ट आई वॉन्ट टू समराइज व्हाट वी डिस्कस्ड। तो हम लोगों ने बात करनी शुरुआत की थी न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी से। बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी एक बड़े कॉमनली यूज टर्म होते हैं, कभी उसे न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी और कभी सेरेब्रल पाल्सी और दोनों टर्म इंटरचेंजली यूज होते हैं। हमने जो बात की वो एम्फोसिस दिया कि सेरेब्रल पाल्सी को अर्ली कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए जो मेरा एम्फोसिस था वो ये था कि आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कॉमन सिग्नल्स होते हैं, एग्जामिनेशन साइंस होते हैं जिन्हें हम में से कोई भी कर सकता है, आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर होने की भी ज़रूरत नहीं है, और जब भी आप सस्पेक्ट करें उसे एक एक्सपर्ट के पास आप भेजें जो उसे फर्दर इवेल्युएट कर सके। कोई भी डॉक्टर जो सेरेब्रल पाल्सी की डायग्नोसिस बना रहा है, आई पर्सनली रिकमेंड जो भी टेस्ट का जरूरत है, यूजली एक ब्रेन स्कैन की जरूरत होती है, वो करके उसे कंफर्म करना चाहिए। यदि सेरेब्रल पाल्सी की डायग्नोसिस बनती है तो जो अर्ली इंटरवेंशन हम बोलते हैं उन लोगों के पास जो थेरेपिस्ट होते हैं उनके पास रेफर करना चाहिए, जिस बच्चे को जैसे सपोर्ट की जरूरत है वो उसे उपलब्ध करा सकें। यदि सेरेब्रल पाल्सी की डायग्नोसिस नहीं है तो जिस तरह का एक्सपर्ट जिससे उस बीमारी को ठीक कर सके उसके पास देखना चाहिए। जो कॉमन परसेप्शन है वो ये होना चाहिए कि सेरेब्रल पाल्सी दूसरी बीमारियों की तरह, मैं बीमारी भी नहीं वर्ड यूज़ करूँगा, मेडिकल कंडीशंस की तरह ज़्यादातर बच्चों में ट्रीटेबल है और ज़्यादातर बच्चे इस कंडीशन से नॉर्मल लाइफ जो है वो बिताते हैं। एक बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन है जो बड़े सीवियरली इससे अफेक्टेड होते हैं और जिन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सेरेब्रल पाल्सी शुड नॉट बिकम अ सोशल स्टिग्मेटा, एक धब्बा जो है वो नहीं बनना चाहिए, और बच्चों को, पेरेंट्स को, फैमिलीज को इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर हमारी पूरी चर्चा के दौरान इस चीज़ पर आपने देखा
कि बच्चे में अगर इस तरह की ऐसी कोई डेवलपमेंट आपको दिखाई पड़ रही है जो कि एक नॉर्मल बच्चे से हट करके है, वो बच्चा आपको आपके किसी साउंड या किसी तरह के रिएक्शन पर अगर एक प्रॉपर रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो इस तरह के बच्चे में ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन उसके बाद में दूसरा स्टेप होता है कि एक प्रॉपर उस चीज़ को डॉक्टर के थ्रू, एक एक्सपर्ट के थ्रू इस बात को पता लगाएं कि क्या बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम है, और है भी तो उसके बाद में उसके एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में उसको गाइड करें, जिससे कि अपनी एक लाइफ को हैप्पियर ढंग से ज़्यादा बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ में बिता सके। और यही हमारी पूरी कोशिश होती है कि बच्चे को बूस्ट अप किया जा सके। आपने इस चर्चा के दौरान आपने जो हमारे लिए विचार रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, इसके बाद हम फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।